करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी शनिताई गौरहरि सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार श्रीमद राधा रमन चरण दास देव श्री सद्गुरुदेव भगवान की अकारण करुणा के फल स्वरूप श्री शिव महापुराण के माध्यम से सदाशिव भगवान के निर्मल यश को गान करने का श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का सप्तम दिवस है। शंकर भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए जो विविध अवतार धारण किए हैं उनकी चर्चा की गई है। आज हम आप सब उन्हीं दिव्य अवतारों की चर्चा श्रवण करने वाले हैं। प्रयागराज में शौनकादि ऋषि सूत जी के आश्रय में बैठे हैं और शिव परिवार का महिमा गान श्रवण करके श्री गणेश जी की आविर्भाव लीला और फिर कैसे युद्ध खंड में विविध असुरों का भोलानाथ के द्वारा कार्तिकेय भगवान के द्वारा उद्धार हुआ, इन प्रसंगों को कहा। फिर शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, अब हमें भोलानाथ के अर्चा अवतारों की कथा सुनाइए। भोलानाथ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए जो विविध रूप धारण किए हैं उनका वृतांत आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। यह प्रश्न सुनकर सूत जी प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? चूंकि प्रभु का यश सबको प्रिय नहीं लगता। संसार में प्राणी को अपना यश सुनना अच्छा लगता है और दूसरे का अपयश सुनना अच्छा लगता है। दूसरे की निंदा सुन के भले बाहर से मुंह बना रहा हो पर अंदर अंदर कलयुग का प्राणी बड़ा प्रसन्न होता है। जिसे हम पसंद नहीं करते या जो हमारे मन के अनुकूल नहीं हो उसकी कोई बुराई हमारे आगे करने लग जाए हम लोग बड़े राजी हो जाते हैं। तो दूसरे की निंदा सुनने में रस आता है और अपनी प्रशंसा सुनने में रस आता है। लेकिन जब तक अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा सुनने में रस आ रहा है, अच्छी लग रही है, तब तक भगवान का यश हमको रस से परिपूर्ण नहीं करेगा। जैसे एक बोतल में खारी पानी भरा हो और उसमें हमको मीठा जल भरना हो तो क्या उपाय है? जिसके पास मीठा जल है वो अपना मीठा जल हमको देने को तैयार है, लेकिन हमारे पास जो बोतल है उसमें खारी जल भरा हुआ है तो मीठे जल को ग्रहण करने का क्या उपाय है? पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपनी उस बोतल में खारी जल को गिराना पड़ेगा। जब तक खारी जल को गिरा नहीं देंगे तब तक मीठा जल कैसे भरा जाएगा? बस यही समझने की बात है। हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे गुरुदेव, वह भगवान के लीला रस के सागर हैं और हमारा हृदय वह पात्र है जिसमें संसार का विषय रूपी खारी जल भरा हुआ है। अच्छा, बोतल को खाली करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ढक्कन ही खोलना पड़ेगा। वो ढक्कन क्या है? कपट ही वो ढक्कन है।
कपट ही वो कपाट है जो कृपा के रास्ते को बंद किए रहता है। पहले तो बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा पहला काम, पर केवल ढक्कन खोले से भी बोतल खाली नहीं हो जाएगी, फिर बोतल को झुकाना पड़ेगा, टेढ़ा करना पड़ेगा। जितनी जितनी मात्रा में बोतल झुकती जाएगी उतनी उतनी मात्रा में खाली जल गिरता जाएगा। अगर बोतल से पूरा खाली जल बाहर करना है तो बोतल को पूरा उल्टा कर देना होगा, झुका देना होगा, और बस फिर तो वह मीठे जल का जो सिंधु है उससे बोतल को भरने में बहुत देर नहीं लगेगी। हमारा हृदय ही वो पात्र है, इसके भीतर जो संसार का विषय रस भरा है यही खारी जल है। इस बोतल के ऊपर जो ढक्कन है वही कपट है। गुरु अनुगत्य में कपट की गांठ खोलकर अपने हृदय में भरे हुए विषय रस के खारी जल को सत्संग श्रवण करते हुए, स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए हरि गुरु के चरणों में गिराना होता है। वो कैसे गिरता है? नाम गान करते करते, कथा कहते कहते, कथा श्रवण करते करते, हमारी आपकी आंखों से जो कभी कभी अश्रु प्रवाह होता है, बस वही इस अंतःकरण के पात्र के खारी जल को गिराना है। क्योंकि आंसू भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो पश्चाताप के आंसू होते हैं, दूसरे प्रेम के आंसू होते हैं। अभी हम लोग जो सामान्य अवस्था के साधक हैं और कथा श्रवण करते हुए हमको जो रोना आता है, ये प्रेमाश्रु नहीं है, ये अभी अंतःकरण की जो मलिनता है वह आंसू के रूप में बाहर निकलती है। कथा श्रवण करके, नाम श्रवण करके हृदय द्रवीभूत हो और रोने का मन हो, समझे मेरे अनर्थ निकल रहे हैं, मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है। एक दिन इसी प्रकार यदि हृदय भगवन नाम, भगवन लीला श्रवण गान करते हुए द्रवीभूत होता रहा तो अभी तो विषय रस का खारी जल निकलेगा, एक दिन इन्हीं आंखों से प्रेमाश्रु भी निकलेंगे। तो इस प्रश्न को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज कि ये भोलानाथ के विविध अवतारों की कथा सुनना चाहते हैं, नहीं तो शौनकादि ऋषि प्रश्न न पूछें तो सूत जी आगे उत्तर न दें। शिव कथा तो पूर्ण हो गई, गणेश जी के आविर्भाव तक की कथा सुनाई, फिर शिव ने अनेकानेक असुरों का उद्धार किया वो कथा कह दी, हम सुन चुके। चाहते तो यहां कथा विश्राम कर सकते थे, लेकिन नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। हरि की कथा सुन के जिनका मन भर गया, असलियत में उन्होंने सुना ही नहीं। यदि हम ईमानदारी से कथा कहें और आप ईमानदारी से कथा सुने तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि कभी कहते कहते हमें तृप्ति नहीं होगी और कभी सुनते सुनते आपको तृप्ति नहीं होगी। जैसे जब किसी को रोग हो जाता है ना, कोई भयानक इन्फेक्शन हो जाता है, तो शरीर में जो लक्षण होते हैं उसमें एक लक्षण होता है उस व्यक्ति को भूख लगनी बंद हो जाती है, तेज बुखार हो जाए भूख लगनी बंद हो जाएगी, लिवर इन्फेक्शन हो जाए भूख लगनी बंद हो जाएगी। जब व्यक्ति औषधि करता है धीरे धीरे ठीक होने लगता है तो उसके ठीक होने का एक लक्षण ये भी है कि अब उस व्यक्ति को भूख लगने लगेगी। अगर भूख लगने लगे रोगी को तो जानिए कि अब वो ठीक होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही
हमारे हृदय में भगवन नाम की भूख जागे, हमारे हृदय में भगवत कथा सुनने की भूख जागे, हमारे हृदय में वृंदावन वास करने की भूख जागे। ये भूख, ये विकलता, ये व्याकुलता जितनी जितनी मात्रा में बढ़ेगी, आप मानिएगा कि उतनी उतनी मात्रा में भव रोग शांत हो रहा है और मैं निरोग हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हम लोग स्वस्थ होने का अर्थ केवल इतना समझते हैं कि हमारा शरीर फिट है, मुझको बीपी भी नहीं है, मुझको शुगर भी नहीं है, मुझको थायराइड भी नहीं है, मेरे घुटने भी बढ़िया हैं, मेरे लंग्स भी बढ़िया हैं, किडनी भी बढ़िया है, तो हम स्वस्थ हैं। चलो अच्छी बात है, शरीर स्वस्थ ही रहे सबका, लेकिन स्वस्थ शब्द का अर्थ इतना सीमित नहीं है। केवल एक्सटर्नल या इंटरनल बॉडी ऑर्गन फिट हैं, केवल इतने को स्वास्थ्य नहीं कहते। स्वस्थ किसको कहते हैं? स्वस्थ शब्द में ही स्वस्थ शब्द का अर्थ छिपा है। स्व कहते हैं अपने को, इष्ठ माने स्थित होना। स्वस्थ कौन है? जो स्व में स्थित है, माने जो अपने में स्थित है, वही स्वस्थ है। तो हमारा स्व क्या है? हमारा स्व है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रासी, चेतन अमल सहज सुख रासी। गोस्वामी जी का कहना है हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है ईश्वर अंश। हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंशी हैं, हम उनके दास हैं, वे हमारे स्वामी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और हमारा स्वभाव स्वरूप कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशी। हम चेतन हैं। चेतन माने जिसकी चेतना सदैव जागृत रहती हो। क्या हमारी चेतना जागृत रहती है? अमल, अमल माने हमारा स्वरूप मलयुक्त नहीं है, अमल है, माने हमारा स्वरूप परम स्वच्छ है, निर्मल है। क्या हमारा अंतःकरण निर्मल हो गया है? अमल सहज, हमारा स्वरूप सहज है या हम हर समय असहज रहते हैं? हम हर समय क्रोध के आवेग में, या काम के आवेग में, या लोभ के आवेग में, या मोह के आवेग में, या अहंकार के आवेग में, ये तो असहज स्थिति है। दुनिया में कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, माथा फट जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता, लेकिन कोई भी व्यक्ति सारी जिंदगी प्रेम में रह सकता है। बलिहारी 24 घंटे किसी को कहा जाए तुम्हें लगातार बस क्रोध ही करना है, उसकी माथे की नस फट जाएगी, वो 24 घंटा क्रोध में नहीं रह सकता। घंटा दो घंटा फिर उसको सामान्य होना ही पड़ेगा। तो हम लोग 24 घंटा लगातार क्रोध में नहीं रह सकते, लेकिन हम सारी जिंदगी प्रेम में रह सकते हैं। कोई व्यक्ति जीवन भर, मनुष्य केवल मांस खाके जीवित नहीं रह सकता, उसको अन्न दाल रोटी सब्जी खानी ही पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति दुनिया में केवल मांसाहार खाके जीवित नहीं रह सकता मनुष्य, लेकिन दाल रोटी खाके प्रसन्नता पूर्वक सारी जिंदगी निकाल सकता है। चेतन अमल सहज सहज, हम लोग सहज हैं। तो हमारे जीवन में जो असहजता है, जो हमारे जीवन में मल है, वो तो ऊपर से लादा गया है।
और क्या स्वरूप है? सुख रासी चेतन अमल सहज सुख रासी। सुख रासी माने हम सुख की राशि हैं, हम दुख की राशि नहीं है। क्या हम दुख की राशि बने रहते हैं? हर समय तनाव में, हर समय किसी न किसी चिंता में, उद्विग्नता में, किसी योजना में रहते हैं हम लोग। क्या हम लोग अपने आप को दुख राशि बना चुके हैं? नहीं, ग्रंथ तो कहते हैं हम सुख राशि हैं, ये हमारा स्वरूप है। तो यदि हम चेतन हैं, हम अमल हैं, हम सहज हैं, हम सुख राशि हैं, वास्तव में हम तभी स्वस्थ हैं। केवल बीपी और शुगर नॉर्मल होना स्वस्थ नहीं है, और ये सब कुछ नॉर्मल रहे, रावण के ये सब नॉर्मल थे, लेकिन वह अमल नहीं था, वह सहज नहीं था, वह सुख राशि नहीं था। शरीर तो उसका बहुत बलवान था, बहुत हष्टपुष्ट था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कितने विनाश को प्राप्त हुआ, सब संपत्ति, सब संतति, सब कुछ नष्ट हो गई। तो स्वस्थ का अर्थ है अपने में स्थित रहना। और हमारा अपना क्या है, हमारा स्व क्या है? हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं, यही हमारा स्व है। इस स्वयं में निरंतर स्थित रहना। अस्य अभिमान जाई जनी भोरे, अस्य अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। क्या कहना, ये स्वरूप है हमारा। मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, मेरे प्राण धन हैं। यदि इस भाव में हम प्रतिष्ठित रहते हैं तभी हम स्वस्थ हैं भैया, और अन्यथा जिसका शरीर रोगी है उसका भी छूटना है, और जो खूब योगा करके और खूब पौष्टिक आहार लेके टॉनिक पी के अपने आप को दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति मान रहा है, मरना उसको भी है, उसी दिन मरना है, उसी क्षण मरना है जिस दिन उसको मरना है। रोगी को भी मरना है और निरोगी को भी मरना है। तो एक व्यक्ति को संसारिक रूप में स्वस्थ माना जाता है जब उसको भूख ठीक से लगती है। चूंकि जब शरीर में कोई रोग आता है तो वो सबसे पहले भूख को, भोजन की विधि को, पाचन तंत्र को, जठराग्नि को डिस्टर्ब करता है। ऐसे ही जब जीवन में विकार हावी हो जाते हैं, ये मल हावी हो जाते हैं, तो इसका सबसे पहला प्रभाव क्या होगा कि भगवान के नाम में अरुचि हो जाएगी, भगवान की कथा में अरुचि हो जाएगी, भगवान की सेवा में अरुचि हो जाएगी, भक्ति में अरुचि हो जाएगी, भूख नहीं रहेगी, मन के भीतर प्यास नहीं रहेगी। ये सारा कुछ साधन केवल नाटक के लिए रह जाएगा। तो माने बाहर से मैं बहुत हष्टपुष्ट भले दिखाई देता हूं, पर मैं भीतर से स्वस्थ नहीं हूं। यदि मैं अपने स्व को विसारे हूं, क्या कहना। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, अरे ऋषियों, यदि तुमने ये प्रश्न न किया होता तो मुझे बहुत दुख होता। मैं ये मानता कि अभी तक मैंने जो शिव चरित्र सुनाया है, या तो मेरे सुनाने में कमी रह गई है, आपके सुनने में कमी रह गई। सुनाने का फल है और सुनाऊं, और सुनने का फल है और सुनूं, और सुनूं, और सुनूं, और सुनूं। भगवान के यश से कभी साधक उपराम नहीं होता। हमारे रूप गोस्वामी जी जो भक्ति के 9 अनुभाव बताते हैं, उन 9 अनुभावों में एक अनुभाव है
नाम गाने सदा रुचि, नौ अनुभव हैं शांति, अव्यर्थ कालत्व, आशा बंध, उसमें चौथा अनुभव है नाम गाने सदा रुचि, नाम श्रवणे सदा रुचि। वैष्णव उसको कहते हैं जिसको हरि नाम हरि यश गाने में अत्यंत रुचि होती है, वो जो अत्यंत प्रेम पूर्वक गाता है वही प्रेमी है। और श्रोता कौन है? जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनता है, सुनते समय जिसको लगे कि बस मेरे दो कान क्यों हैं, मेरे हजार कान क्यों नहीं हैं। भागवत जी में पृथु जी की कथा है ना, पृथु जी 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प लिए और जब 100वें यज्ञ में भगवान प्रकट हुए तो पृथु जी महाराज भगवान से क्या मांगे, करणायुत मेष में वर, भगवान वर मांगने को कहे, पृथु जी क्या वर मांगे, हे प्रभु मुझे 10,000 कान दे दीजिए। नारायण कहे पृथु जी को, अरे ये पृथ्वी का राज मांगते, स्वर्ग मांगते, धन मांगते, ये मांगते, ये क्या बात मांगते हो, 10,000 कान क्या करोगे 10,000 कान का। तब पृथु जी ने रोते रोते कहा था, प्रभु दो कानों से आपकी कथा सुन के तृप्ति नहीं होती, मेरी देह पर कान ही कान हो जाए, मैं निरंतर आपका यश गान श्रवण करूं। भगवान ने कहा ठीक है, हम आपके दो कानों में ही 10,000 गुना श्रवण शक्ति दे देंगे। हमारे महाप्रभु जी के परिकर हुए वक्रेश्वर पंडित जी, उनको नित्य का आवेश रहता था, ऐसे सब कीर्तन करते थे तो महाप्रभु जी नित्य करते थे, पर जब महाप्रभु जी कीर्तन करते थे तो वक्रेश्वर पंडित जी नित्य करते थे। एक बार वे वक्रेश्वर पंडित जी 3 दिन और 3 रात तक लगातार नित्य करते रहे, आश्चर्य, 3 रात और 3 दिन तक लगातार नाचते रहे, उनके पैरों से रक्त चूने लग गया, 3 दिन 3 रात तक पागल की तरह हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गिरते थे उठते थे, उठते थे नाचते थे गिरते थे। 3 दिन बाद महाप्रभु जी उनको गोद में भर लिए और कहे, वक्रेश्वर अब जल पी लो, 3 दिन तुमको नाचते गाते हो गए हैं। तब वक्रेश्वर जी क्या कहते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु जी कहते हैं बर मांगो और शांत हो अब। तब बक्रेश्वर जी क्या कहते हैं महाप्रभु जी को, हे महाप्रभु जी मुझे यही वर दीजिए, क्या, कि मुझे देवलोक से 10,000 गंधर्व मंगा दीजिए। महाप्रभु जी कहे 10,000 गंधर्व मंगा दूं? गंधर्व जानते हैं किसको कहते हैं? गंधर्व देवताओं के दरबार के गवैया होते हैं, गायक होते हैं। तो 10,000 गंधर्व मंगा दीजिए। महाप्रभु कहे क्या करोगे? बोले वो 10,000 गंधर्व गाएंगे और मैं नाचूंगा, बस ये 10,000 गंधर्व कृष्ण नाम गावे, राधा नाम गावे, गौर नाम गावे और मैं नाचूं नाचूं और नाचूं। आहा, राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तीन नाही। यदि हम अघा गए तो अभी हमको कथा का रस मुंह नहीं लगा। तो इन ऋषियों का प्रश्न सुन के सूत जी बड़े राजी हुए, इतनी कथा सुनाने के बाद अभी और लालसा है। हाँ, और लालसा है। भोलानाथ किन किन भक्तों के लिए कौन कौन अवतार लिए, वो 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या कथा है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या महिमा है, और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के अतिरिक्त भोलानाथ अनंत अवतार लिए, जो आपके स्मरण में आ रहा हो आप हमको सुनाइए। सूत जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और यही कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं
नहीं बहु विधि सब संता। हे शौनकादि ऋषियों, हरि की कथा अनंत है, हर की कथा अनंत है। मैं हजार जन्म धारण कर लूं तो भी शिव का यश गा नहीं सकूंगा, और आप हजार जन्म धारण कर लो तो भी पूर्ण यश श्रवण कर नहीं सकोगे। अरे जिन भोला नाथ का वेद भी पार नहीं पाते, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पार। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावही पार। अरे चारों वेद तो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करके लौट आते हैं, पार कहां पाते हैं? हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा है, वेद न पावही पार। तो बरने तुलसी दास की मी, बरने तुलसी दास की मी, अति मति मंद गवार, अति मति मंद गवार, बरने तुलसीदास की मी, बरने तुलसीदास की मी। तो जैसे गोस्वामी जी अपने को असमर्थ मान रहे हैं, सूत जी जैसे महात्मा अपने को असमर्थ मान रहे हैं, तो हम आप किस गिनती में आते हैं भैया? तो फिर क्या करें? उत्तर यह है कि हर का यश तो अनंत है, असीम है, कोई नहीं गा सकता। पर दूसरी विशेषता यह है कि हरि और हर की हर लीला अपने आप में पूर्ण है। शिव महापुराण का एक श्लोक भी हम श्रवण किए, वो अपने आप में पूर्ण है। हरि का एक नाम अपने आप में पूर्ण है, हरि की एक लीला भी अपने आप में पूर्ण है। और यदि स्मरण करना आ गया तो हरि की एक लीला ही प्रेम सिंधु में डुबाने के लिए पर्याप्त है। क्या कहना, एक लीला, एक लीला, एक लीला पर्याप्त है। सूत जी अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं और ऋषियों को कहा है, हे ऋषियों, लीला तो अनंत है, प्रभु अपने भक्तों के लिए क्षण क्षण में अवतार धारण करते हैं। हे शौनकादि ऋषियों, पांच रूप में प्रभु हमको सदैव प्राप्त हैं। तो वैष्णवों के बहुत काम का सत्संग है ये। सूत जी का कहना है पांच रूप में प्रभु हमको नित्य प्राप्त हैं। किस किस रूप में? पहला, नाम के रूप में। हम आप जिस नाम का जप करते हैं, गान करते हैं, जिस मंत्र का जप करते हैं, इस नाम और मंत्र के रूप में गुरुदेव हमको गोविंद ही दिए हैं। हम यदि नाम को नामी से छोटा करके मानते हैं तो हम बहुत नासमझी कर रहे हैं, हम अपनी हानि कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं पांच रूप में प्रभु ही प्राप्त हैं हमको, नाम के रूप में, श्री महामंत्र के रूप में साक्षात राधा माधव जुगल सरकार है, श्री महामंत्र के रूप में साक्षात महाप्रभु जी हैं। अपने यहां तो महामंत्र माने महाप्रभु जी, महामंत्र माने जुगल विलास। जैसे वृंदावन में जुगल सरकार का विलास हो रहा है, ऐसे महामंत्र के भीतर जुगल सरकार का विलास हो रहा है। आठ बार हरे नाम है, चार बार कृष्ण नाम है, चार बार राम नाम है महामंत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आठ बार जो हरे नाम है ये राधिका है, चार बार कृष्ण नाम श्याम सुंदर है,
और चार बार राम नाम राधा रमण लाल है। जैसे वृंदावन में यमुना तट पर रासलीला हो रही है, ऐसे इस महामंत्र के भीतर भी रासलीला हो रही है। तो पांच रूपों में हमको प्रभु प्राप्त हैं। पहला नाम मानना होगा, इस बात पर जितना जितना हम जीवन में भरोसा कर सके उतना उतना भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले है नाम, दूसरे है धाम। नाम के रूप में हमको प्रभु प्राप्त हैं और धाम के रूप में हमको प्रभु प्राप्त हैं। जो भोलानाथ हैं वही उनकी काशीपुरी है, जो भगवान सीताराम है वही अयोध्या और चित्रकूट है, और जो राधा माधव है वही वृंदावन है, वही नवद्वीप है, वही बरसाना है, वही गिरिराज्य है। धाम और धामी में भेद नहीं, नाम और नामी में भेद नहीं। नाम के रूप में हमको प्रभु प्राप्त है, धाम के रूप में हमको प्रभु प्राप्त है। बोले धाम को हम कैसे प्राप्त करें? महाराज हम तो शाहजहांपुर रहते हैं, बरेली रहते हैं, हरदोई रहते हैं, कहां कहां रहते हैं, शरीर से धाम वास नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, मन से धाम वास करिए। मन से कैसे धाम वास करिए? आज से अपने घर को वृंदावन मान लीजिए, आज से अपने घर को चित्रकूट मान लीजिए, और घर में जो विराजमान ठाकुर का मंदिर है उसको निकुंज मान लीजिए, उनको राधा रमण जी का गर्भगृह मान लीजिए, और उस श्री मंदिर में गर्भगृह में प्रभु को विराजमान करिए। अपने घर को अयोध्या चित्रकूट वृंदावन जो मानना है मान लीजिए। अब घर में बुहारी लगाइए तो इसी भाव से लगाइए कि वृंदावन में बुहारी लगा रहा हूं, मेरे ठाकुर क्या केवल मंदिर में ही रहते होंगे? वो कभी आंगन में भी घूमते होंगे, कभी छज्जे में भी जाते होंगे, कभी जीने में भी जाते, इसलिए मैं घर को साफ सुथरा रखूंगा। सोचिए, घर पहले भी साफ रखते थे लेकिन अपना मान के रखते थे, कोई आएगा कहेगा कैसा घर गंदा रखते हैं, नहीं। लेकिन अब ये भाव हो गया कि मेरा घर वृंदावन है, और केवल मंदिर में ठाकुर नहीं रहते, सब जगह विहार भी करते हैं, तो मैं घर को साफ रखूंगा। अब मेरे घर की जो रसोई है वो ठाकुर जी की है, इसमें अशुद्ध वस्तु नहीं आएगी, इसमें जो बनेगा पवित्रता से बनेगा, और जो बनेगा वो भगवान को अर्पण होगा, मैं तो प्रसाद पाऊंगा, क्योंकि मालिक तो मेरे ठाकुर है ना, मैं तो नौकर हूं। धाम, नाम के रूप में भगवान प्राप्त है हमको, धाम के रूप में भगवान प्राप्त है। प्रगट में धाम वास हो जाए तो क्या कहना, वृंदावन में मरिवो नीको, कुंज लता में परिवो नीको, जा मग सो निकसे पिय प्यारी, सो मग में रज बनिवो नीको, गौरदास ब्रज रज तन छूटे तो सब विद भाग संभरिवो नीको, वृंदावन में मरिवो नीको। नाम के रूप में प्रभु प्राप्त हैं, धाम के रूप में हमें प्रभु प्राप्त हैं, और गुरुदेव के रूप में हमको प्रभु प्राप्त हैं। हमें हमारे गुरुदेव के रूप में गोविंद ही मिले हुए हैं, पहचानने में भूल हो रही है। इस भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा दोष होता है गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि करना, उनको अपने जैसा मनुष्य मानना। ना, वो देखने में हमारे जैसे मनुष्य होते हुए मनुष्य नहीं है, उनके रूप में गोविंद की कृपा ने उतार लिया है, गोविंद ने अपनी कृपा को मेरे गुरुदेव के रूप में भेजा है मुझे स्वीकार करने के लिए। गुरुदेव गोविंद की कृपा के अवतार हैं। जीवेर निस्तार लागी नंद सुतहरी, भुवने प्रकाश होन गुरु रूप धरी, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं। तो नाम के रूप में प्रभु प्राप्त, धाम के रूप में प्रभु प्राप्त, गुरुदेव के रूप में प्रभु प्राप्त, और ग्रंथ के रूप में प्रभु प्राप्त। किनका पूजन करते हैं हम लोग? ग्रंथ भगवान विराजमान है ना, उन्हीं की आरती होती है, उन्हीं को बेलपत्र चढ़ता है, उन्हीं को फूल चढ़ते हैं, तुलसी चढ़ती है, माला चढ़ती है, भोग लगता है, आप प्रणाम करते हैं, यजमान पूजन करते हैं। क्यों? ये देखने में हमको पोथी लग रही है,
लेकिन भावना ये करनी है, पोथी के रूप में गौरी शंकर बैठे हैं यहां, शिवलिंग के रूप में तो हैं, पर ग्रंथ के रूप में भगवान प्राप्त हैं मुझे, तो ग्रंथ का आश्रय भी भगवान का आश्रय है। नाम के रूप में, धाम के रूप में, गुरु के रूप में, ग्रंथ के रूप में और श्री विग्रह के रूप में, श्री विग्रह के रूप में मुझे भगवान प्राप्त हैं। कौन से श्री विग्रह? वृंदावन में बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, अयोध्या के कनक भवन बिहारी और तिरुपति बालाजी और विश्वनाथ भगवान और भीम शंकर भगवान और मल्लिकार्जुन भगवान, ये 12 ज्योतिर्लिंग, हाँ ये तो भगवान के श्री विग्रह हैं ही, लेकिन मेरे घर में जो मेरे ठाकुर विराजमान हैं अथवा भोलानाथ विराजमान हैं, हमारे आपके घर के मंदिर में जो ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान है, जो चित्रपट विराजमान है, वह भी भगवान का स्वरूप है। ऐसा मत मानिएगा कि वृंदावन में जो बांके बिहारी जी हैं वो ज्यादा भगवान हैं और मेरे घर में जो ठाकुर बैठे हैं वो कम भगवान हैं, ऐसा मत मानिएगा। यदि ये भेद किया तो कृपा नहीं होगी, ये मानना होगा वृंदावन के जो बांके बिहारी जी हैं, राधा रमण लाल हैं, राधा बल्लभ लाल हैं, वही ठाकुर मेरे घर में, मेरे मंदिर में मेरे ठाकुर बन के बैठे हैं, रत्ती भर कम नहीं है। तो नाम के रूप में भगवान प्राप्त हैं, धाम के रूप में भगवान प्राप्त हैं, हमें गुरु के रूप में भगवान प्राप्त हैं, सदग्रंथ के रूप में भगवान प्राप्त हैं और श्री विग्रह सेवा के रूप में भगवान प्राप्त हैं। तो श्री विग्रह के रूप में भगवान कौन अवतार लिए हैं? इनको कहते हैं अर्चा अवतार। जैसे भगवान का नरसिंह अवतार, वामन अवतार, रामा अवतार, परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, जाने कौन कौन, ऐसे ही हमारे आपके घर में जो ठाकुर विराजमान हैं, ये भी अवतार हैं साहब। इन अवतार का क्या नाम है? इनका नाम है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार किसको कहते हैं? जो मेरी अर्चना को, मेरी सेवा को ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए अपने यहां वैष्णवों में ठाकुर जी प्रकट कराए जाते हैं, अपने यहां वैष्णवों में जब सेवा पधराई जाती है तो ऐसे ही नहीं, प्रकट होते हैं ठाकुर जी। ये नहीं कहते बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा, प्रकट हो रहे हैं ठाकुर जी, प्रकट हो गए, अब आएंगे, अब पाठोत्सव होगा, विराजेंगे, अब आज ठाकुर जी का पाठोत्सव है। वे अर्चा अवतार हैं। ये अवतार क्यों लिया है? बोले भगवान ने प्रतिज्ञा की है ना, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, लेकिन भगवान की ये प्रतिज्ञा और अवतारों में सत्य साबित नहीं हुई। ऐसे भगवान यशोदा जी के अधीन है, बिल्कुल ठीक बात, उखल से मैया ने बांधा तो बंध गए, लेकिन उन यशोदा मैया को भी छोड़ के मथुरा आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे भगवान कौशल्या जी के अधीन है, लेकिन 14 वर्ष को चले गए कि नहीं चले गए? तो अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूं, ये प्रतिज्ञा भगवान की किस रूप में पूरी हुई है? ये प्रतिज्ञा प्रभु की अर्चा अवतार के रूप में पूरी हुई है। जो हमारे घर के ठाकुर हैं, ये तो हमारे पूरी तरह अधीन है। कब उठाइए? जब इच्छा हो, जब इच्छा हो सुलाइए, जब इच्छा हो भोग लगाइए, जो खाने की इच्छा हो वही भोग लगा दीजिए, जो पोशाक अच्छी लगती हो वो पहना दीजिए, जो श्रृंगार करना हो सो कर दीजिए। क्या कहना, कुछ कहते ही नहीं ठाकुर, कितने अधीन हैं। कोई वैष्णव कहते हैं हम तो जी मंगला सवेरे 4 बजे करते हैं, कोई कहते हैं नहीं जी हम तो सवेरे 8 बजे मंगला करते हैं, चलिए। कोई कहते हैं हम सवेरे ठाकुर जी को 6 बजे नहवा देते हैं, कोई कहते हैं जी नहीं हम तो जी 9:30 बजे स्नान कराते हैं, चलो कोई बात नहीं। कोई कहते हैं हम तो बाल भोग सवेरे 7 बजे लगा देते हैं, कोई कहते हैं नहीं हम 10 बजे लगाते हैं,
कोई कहते हैं हम दोपहर का भोजन 11 बजे भोग लगा देते हैं, कोई कहते हैं नहीं हम तो 2 बजे लगाते हैं, कोई बात नहीं। कोई कहते हैं हम संध्या आरती 5 बजे कर लेते हैं, कोई कहते हैं 8 बजे करते हैं, कोई कहते हैं हम शाम को 7 बजे शयन करा देते हैं, कोई कहते हैं हम नौकरी से 9 बजे आते हैं तो रात को 10 बजे शयन कराते हैं, कोई बात नहीं। तुम्हें जब उठाना हो उठाओ, तुमको जब सुलाना है सुलाओ, तुमको जो खिलाना है खिलाओ, तुमको जो पहनाना है पहनाओ, लेकिन बस मुझको अपना मानो। सब पूछते हैं कि पूजा कैसे होती है, सेवा कैसे होती है, सेवा की विधि क्या है। तो भैया सबसे बड़ी विधि यह है कि सेवा आत्मवत होती है, सेवा आत्मवत होती है। अरे बहुत अधिक नहीं, बस कम से कम ठाकुर जी को अपने परिवार का सदस्य हम लोग मान लें, जैसे अपने बेटे को मानते हैं परिवार का, ऐसे मान लें। फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको सर्दी लग रही है तो ठाकुर जी को अब गर्म वस्त्र पहनाइए, यदि आपको गर्मी लग रही है तो ठाकुर जी को हल्के वस्त्र पहनाइए। आप जितनी बार भोजन करते हैं उतनी बार प्रभु को भोग लगाइए, आपको जितनी बार प्यास लगती है उतनी बार झारी धरिए, बस जैसे आप करते हैं। सेवा आत्मवत है और ठाकुर जी को लाड़ बालवत है, लेकिन सेवा में भय कालवत है। सेवा तो आत्मवत है, जैसे अपने को चाहिए बस वैसी सेवा करिए। तो नाम के रूप में, धाम के रूप में, गुरु के रूप में, ग्रंथ के रूप में और श्री विग्रह के रूप में हमको प्रभु ही प्राप्त हैं। आहा, हम धन्य हो गए। तो फिर शंकर भगवान कौन कौन अर्चा अवतार ग्रहण किए हैं यह आप हमको सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, अवतार तो बहुत ग्रहण किए पर उनमें मुख्य 12 अवतार हैं। कौन कौन है 12 अवतार? तो यहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, कोटि रुद्र संहिता में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की क्रमशः चर्चा श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। कौन कौन द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं आप सबको पता है। एक बार श्लोक के माध्यम से इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों को हम प्रणाम कर लें और फिर एक एक करके समय अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा हेलीकॉप्टर अभी तक तो नहीं बना होगा जो 2 घंटा के भीतर 12 ज्योतिर्लिंग घुमा दे। कोई जानता है? कोई धनवान से धनवान व्यक्ति नहीं घूम सकता। लेकिन आप सत्य मानिए, आज हम 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आएंगे और बहुत अच्छे से घूम के आएंगे। खूब दर्शन भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे और खर्चा कुछ नहीं, बैठे बैठे। यही तो इस कलयुग का प्रताप है कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कलयुग का प्रताप क्या है? यहां मन से किए गए पाप का फल नहीं मिलता। माने मन में पाप का विचार आया और वहीं की वहीं उसको रोक दिया, क्रिया में नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन मन के भीतर सत्कर्म का विचार आया, सेवा का, भजन का विचार आया, शरीर से नहीं कर पाए मन से किए, तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप में से कितने 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुके हैं हमको खबर नहीं, पर आज तो हम सब ही करेंगे सूत जी के पीछे पीछे। जय हो। क्या कहते हैं सूत जी? आप सब पीछे पीछे उच्चारण करिएगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जिन्यां महाकाल
वाराणस्यां च विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभू बंदे चरामेशम हुष्मेशम च शिवालये हुष्मेशम च शिवालये हुष्मेशम च शिवालये हुष्मेशम च शिवालये द्वादशैतानि नामानि द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठति कृतं पापं सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति क्या कहना अर्थ बताने की जरूरत नहीं है अर्थ आपने समझ लिया है पहले द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया है स्थान के समेत और आखिर में सूत जी महाराज ने कहा है द्वई द्वादशई तानी नामानी प्रातरुत्था यह पठेत तो सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति जो इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करता है स्मरण करता है तो सप्त जन्म कृतम पापम एक जन्म नहीं उसके सात जन्म के पाप नष्ट होते हैं वो हरि भक्ति का अधिकारी होता है शिव उसके जीवन के अवरोध को मलिनता को नष्ट कर देते हैं तो फिर पहले ज्योतिर्लिंग कौन से हैं सौराष्टे सोमनाथम च सौराष्ट्रे सोमनाथम प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन से हैं कहिए श्री
सोमनाथ भगवान की जय हो। अब न गाड़ी न ट्रेन न बस न फ्लाइट, पहुंच जाइए मन से सोमनाथ। जो जा चुके हैं तो मन से चित्र बना लीजिए, और शरीर से नहीं गए हैं तो हम वर्णन कर देते हैं। नीला नीला खूब सुंदर सागर का तट है, एकदम सागर का तट है, प्रभासक क्षेत्र है। जिस प्रभासक क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूर्ण करी थी, जिस प्रभासक क्षेत्र में श्री कृष्ण के चरण कमलों में जरा व्याध ने बाण अर्पण किया था, उसी प्रभासक क्षेत्र में गगन चुंबी शिखर लहरा रहा है, जिसके ऊपर नंदी की ध्वजा फहरायमान हो रही है, और समुद्र के किनारे भगवान सोमनाथ विराजमान है। क्या कहना, सौराष्ट्र जिसको आधुनिक भाषा में काठियावाड़ भी बोलते हैं, गुजरात का अंश है, समुद्र के किनारे ये कैसे विराजमान हुए हैं। सृष्टि का प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है, और इस सृष्टि का प्रथम शिव मंदिर सोमनाथ है। कैसे, राजा दक्ष की 27 कन्या जिनका विवाह है चंद्रमा के साथ संपन्न हुआ, राजा दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी 27 कन्या चंद्रमा को ब्याही, जो 27 कन्या नक्षत्र स्वरूप हैं। चंद्रमा का ब्याह हो गया, उनको 27 नक्षत्र प्राप्त हो गए, लेकिन चंद्रमा उन 27 में से सबसे बड़ी रोहिणी नक्षत्रों में, रोहिणी नक्षत्र सर्वोपरि है। अपने ठाकुर जी कौन नक्षत्र में प्रकट हुए हैं, रोहिणी नक्षत्र। तो चंद्रमा अपनी रोहिणी नामक पत्नी से ही अधिक स्नेह करते थे, और बाकी 26 की उपेक्षा करते थे। चलो यहां तक तो ठीक था कि एक ज्यादा प्रिय है बाकी कम प्रिय है, लेकिन बाकी की उपेक्षा ही कर दी। परिणाम क्या हुआ, वो बाकी 26 रानियां दुखी रहने लगी, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उपेक्षा करते हैं। एक बार अपने पिता दक्ष से भी कहा, उन्होंने जानना चाहा कि मेरी सब बेटियां प्रसन्न तो हैं। कन्याओं ने कहा, पिताजी चंद्रमा केवल हमारी बड़ी बहन रोहिणी को ही प्रेम करते हैं, हमको तो बस नाम मात्र के लिए रखा है, हमारी और कोई ध्यान नहीं है उनका। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और समझाया, तुमने मेरी सब कन्याओं से विवाह किया है और 27 नक्षत्र रूप है मेरी कन्या, तो भाई चंद्रमा 27 नक्षत्रों में गमन करते हैं तो तुम उन सबका सम्मान करो। लेकिन समझाने के बाद बताने के बाद भी चंद्रमा अपने आप को नहीं बदल सके, वे केवल रोहिणी में ही स्नेह करते थे। बहुत बार प्रजापति दक्ष ने समझाया, लेकिन समझाने का कोई परिणाम नहीं हुआ। बार बार बाकी कन्याएं अपने पिता को जाके दुख निवेदन करने लगी, अंततः प्रजापति दक्ष दुखी हो गए और क्रोधित होकर के उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, अरे चंद्रमा तू अपनी पत्नियों में फर्क करता है, जा तुझको क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग जिसको आजकल टीबी बोलते हैं, शरीर क्षय हो जाए तेरा। यहाँ शाहजहांपुर के माननीय विधायक श्रीमान सुरेश कुमार जी खन्ना, आपका कथा में आगमन हुआ है तो आपका स्वागत है कथा में। आप यहाँ के अत्यंत लोकप्रिय नेता हैं, जो निरंतर शाहजहांपुर की जनता की सेवा में
लगे हैं। परम पूज्य स्वामी जी आदरणीय गौड़दास जी महाराज जो वृंदावन से पधारे हैं, मंचासीन अन्य महानुभाव, सभी सम्मानित आयोजक गण तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय स्वामी जी जो व्यास गद्दी पर विराजमान हैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय शाहजहानपुर की जनता के लिए निकाला। मैं इस कथा के बीच में ज़्यादा व्यवधान नहीं बनना चाहता। मैं पुनः स्वामी जी से क्षमा याचना करते हुए उनसे आग्रह करूँगा आदरणीय गौड़दास जी महाराज से कि वो अपनी कथा का अग्रिम जो अध्याय है उसको, शेष अध्याय को लेने की कृपा करें। पुनः एक बार आप सबके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। जैसे ये श्राप मिला, चंद्रमा के तो होश उड़ गए, क्या करें, सारे देवता घबरा गए। चूंकि इस सृष्टि के संचालन में चंद्र देवता का एक बड़ा सहयोग है, हमने कल भी सुना था कि सूर्य के प्रकाश में तो अन्न पकता है, खेती होती है, जानते हैं। यदि सूर्य न हो तो अन्न पैदा नहीं होगा, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। लेकिन चंद्रमा का भी सहयोग है, जितनी भी वनस्पति के भीतर जीवनी शक्ति होती है, अन्न के भीतर, फल के भीतर, सब्जी के भीतर, इस जीवनी शक्ति का संचार चंद्रमा के कारण होता है। चंद्रमा अपनी अमृत किरणों से औषधियों के भीतर, वनस्पति के भीतर अमृत का संचार करते हैं, जिससे हमको आपको जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। देवता सब घबरा गए, क्या करें, दक्ष ने तो श्राप दे दिया, वो लौटाया जा सकता नहीं। तब देवगुरु बृहस्पति जी से पूछा, देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि चंद्रदेव ने किया तो अन्याय, लेकिन इसका कोई और समाधान भी हो सकता था, पर प्रजापति दक्ष क्रोध में आके जो श्राप दे दिए, वो श्राप सारी सृष्टि के लिए दुखदायी हो जाएगा, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी से पूछा जाए, ब्रह्मा जी लोक पिता हैं, उनसे पूछा गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भैया इसका समाधान अब कहीं नहीं हो सकता, इसका केवल एक समाधान है, क्या, चंद्रमा शिव की शरण में जाए। भावी हूं मेट सके त्रिपुरारी, ऐसी असाध्य परिस्थिति में शिव की कृपा ही काम आ सकती है। और जो इनको ये भयानक रोग हो गया है, माने चंद्रमा तेजहीन हो गए हैं, उनका अमृत क्षय को प्राप्त हो गया है, अब पुनः स्वस्थ यदि कोई कर सकता है तो वो भोलानाथ कर सकते हैं, कहाँ जाएं। तब चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, और जहां आज सोमनाथ हैं यहीं पर चंद्रमा आ गए हैं, समुद्र के किनारे। और ज्यादा दिन नहीं, शिव महापुराण में लिखा है चंद्रमा ने 6 महीने तप किया है, लेकिन उस 6 महीने में कितना महामृत्युंजय जप किया, भूखे प्यासे रह के। ऐसे महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप होता है, लेकिन ग्रंथ में लिखा है 6 महीने के भीतर चंद्रमा ने 10 करोड़ जप किया महामृत्युंजय का। और प्रतिदिन वहीं समुद्र के किनारे समुद्र की बालुका लेके शिवलिंग बनाते थे, पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, उनका पूजन करते थे, अभिषेक करते थे, बेलपत्र अर्चन करते थे,
और अहिर्निश महामृत्युंजय का जप करते थे 6 महीना। अद्भुत है महामृत्युंजय, रोग में तो एंटीबायोटिक से भी तेज काम करते हैं, पर सही विधि से हो जाए तो। आजकल तो हर चीज में मिलावट हो रही है, और उस मिलावट का कारण केवल करने वाले नहीं है, करवाने वाले भी हैं। करवाने वाले को कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीज चाहिए, तो कैसे होगा? क्षमा करिए, कोई कह रहा है कि 21,000 रुपए लेंगे और 4 ब्राह्मण 3 दिन में महामृत्युंजय कर लेंगे, वो भी 1,25,000, तो हाथ जोड़ लेना ही ठीक है, कैसे होगा? कैसे होगा? मंत्र तो मंत्र की तरह से ही होगा, अब उसमें भी फिर विधि है। एक लघु मृत्युंजय होता है, जहां बीज के सहित शुरू में भी बीजाक्षर बोले जाएं, आखिर में भी, उसमें समय लगेगा मंत्र में, दवा पूरी काम करेगी, ये पक्की बात है। फिर उसके भी कई रूप हैं। महामृत्युंजय में और विशेष संपुट लगाया जाए तो वो मृत संजीवनी बन जाता है, उसमें यजमान का नाम भी साथ बोला जाए, रामबाण की तरह काम करेगा, ये तो सत्य है। पर विधि पूर्वक हो, सबसे सुंदर है शिव मंदिर में हो। जिन आचार्य ब्राह्मणों को अभ्यास है जप करने का, वही करें, वे ब्राह्मण त्रिसंध्या करने वाले हों, उनको पता हो कि जप को कहां विश्राम करना है। जब किसी यजमान का संकल्प ले चुके हैं तो उस काल में कितने कितने नियमों का पालन करना है। वह ब्राह्मण पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें, प्रतिदिन शंकर भगवान का रुद्राभिषेक हो, उसमें भी पार्थिव लिंग रोज बनाकर पूजन हो तो बहुत सुंदर है, बेलपत्र अर्चन हो, 1,25,000 जप तो हो, फिर उसका दशांश अतिरिक्त हो, तर्पण मार्जन हो, यज्ञ हो, ब्राह्मण भोजन हो, यदि सविधि अनुष्ठान हो जाए तो खाली जाते हुए नहीं देखा गया। हमने पीछे कोरोना काल में अपने आश्रम से जुड़े हुए कम से कम 100 केस देखे होंगे, बिल्कुल डॉक्टर ने कह दिया आप कोई आशा नहीं बची, वेंटिलेटर पर पहुंच गए, लेकिन महाराज इधर जप होने लग गए और उधर उस रोगी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लग गया। कम से कम 100 चमत्कार देखे होंगे, प्रभाव करता है। यदि आयु पूरी नहीं हुई तो महामृत्युंजय काल के पास से भी लौटा लाएंगे, पर विधि पूर्वक हो। अपने यहां गोपेश्वर भगवान के मंदिर में जप होते थे, कितनों को लाभ हुआ जाने, रात दिन होते हैं, अभी भी होते हैं जब जिनका मनोरथ होता है, तो विधि पूर्वक अनुष्ठान हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रभाव न हो। और यह भी देखा कि कम रोग था और बताया भी गया कि भाई महामृत्युंजय करा लीजिए जब ऐसी स्थिति है, गंभीरता से नहीं लिए तो यह भी हुआ कि स्वस्थ थे और लौट के नहीं आए, ये भी देखा। और यह भी देखा कि वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे, आशा छूट गई थी, फिर भी लौट आए। चंद्रमा ने 10 करोड़ जप किया है, उसको करने की योग्यता है। एक बात और कहें, ये महामृत्युंजय के कीर्तन नहीं होते भैया, जिस स्त्रोत के मंत्र के विषय में जो विधि लिखी है उस विधि का भी पालन करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं और फल भी पूर्ण चाहते हैं, लेकिन विधि मनमानी पालन करते हैं ना। यदि हम फल पूर्ण चाहते हैं तो विधि भी पूर्णता से पालन करनी होगी ना। विधि की अवहेलना करके पूर्ण फल चाहते हैं तो कैसे होगा?
चंद्रमा ने 10 करोड़ जप किया है, 6 महीना बीते हैं कि भोलानाथ वहीं जहां आज सोमनाथ भगवान का मंदिर है प्रकट हो गए हैं, और प्रकट होकर के चंद्रमा से वर मांगने को कहा है। जब चंद्रमा ने यही कहा है, महाराज मुझे इस रोग से मुक्त कर दीजिए, मैं केवल अपने रोग की निवृत्ति नहीं मांग रहा हूं, मैं समाप्त भी हो जाऊं, पर यदि मैं समाप्त हो गया तो ये सृष्टि भी जीवनी शक्ति से हीन हो जाएगी। मेरे द्वारा विधाता ने जो जीवनी शक्ति का आरोपण का कार्य वनस्पति में दिया है वो रुक जाएगा। आप मुझे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, मेरे रोग का क्षय कर दीजिए। अब भोलानाथ तो फिर भोलानाथ है ना, तथास्तु। बस जैसे भोलानाथ ने कहा तथास्तु, उसी समय चंद्रमा का जो शरीर तेजहीन हो गया था, क्षयग्रस्त हो गया था, स्वस्थ होने लग गया। और भोलानाथ ने कहा देखो, अब प्रजापति दक्ष ने जो तुमको श्राप दिया है भाई, उसकी भी थोड़ी मर्यादा रखनी है। बिल्कुल श्राप मिटा देंगे वो भी उचित नहीं, तो क्या होगा? अब कृष्ण पक्ष में तो तुम घटा करोगे, घटते घटते अमावस्या को गायब हो जाओगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन तुम बढ़ोगे और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाओगे। तो पूर्णिमा को तुम्हारी 16 कलाएं प्रकाशित हो जाएंगी, और अब तुम अपनी पत्नियों में भेद न करो, स्वच्छंद रूप से समान रूप से 2700 नक्षत्रों में विराजमान रहो। तब चंद्रमा ने इस बात को स्वीकार किया है, चंद्रमा का 6 रोग नष्ट हो गया है। और भी कुछ कहना है तो कहो। तब चंद्रमा ने यही कहा, प्रभु मुझ पे तो कृपा आप कर दिए, मुझे तो निहाल कर दिए आप, 6 रोग से बचा लिए, पर अब यही विनती है, जहां आप प्रकट हुए हो वहां आप विराजो, और आपका यह स्वरूप मेरे नाम से ही जाना जाए, माने स्थान धूमिल न हो जाए, युगो युगो तक याद रहे कि चंद्रमा ने कहां बैठ करके आपकी आराधना की थी, और कैसे पापग्रस्त चंद्रमा को, रोगग्रस्त चंद्रमा को आपने स्वस्थ किया था। अब भोलानाथ तो बहुत दयालु हैं, तो मैं यहीं विराजूंगा और मेरा नाम होगा सोमनाथ। सोम माने क्या होता है जानते हैं ना, सोम कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा के नाथ सोमनाथ प्रतिष्ठित हो गए। कहिए सोमनाथ भगवान की जय हो। और फिर पूरा महात्म वर्णन किया भोलानाथ ने, जो दर्शन करेगा, जो जलाभिषेक करेगा, अर्चन करेगा, उसके रोगों का मैं हरण करूंगा। ये भारतवर्ष का प्रथम मंदिर है, इस पृथ्वी का प्रथम शिव मंदिर है बंधुओं, चंद्रमा के द्वारा जो प्रतिष्ठित है, क्या कहना। तो प्रथम सौराष्ट्रे सोमनाथम च, दूसरे श्री शैले मल्लिकार्जुन। प्रथम सोमनाथ हैं, दूसरे मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन श्री शैलम पर, कृष्णा नदी के तट पर। क्या कथा है? कथा तो कल सुन चुके हैं श्री शैलम की। शिव महापुराण में लिखा है कि अमावस्या के दिन भोलानाथ कुमार कार्तिकेय से मिलने जाते हैं, और पूर्णिमा के दिन जगदम्बा पार्वती जी मिलने जाती हैं। तब उस पर्वत पर ही गौरी शंकर रह गए कार्तिकेय जी के पास, तब देवी वहां मल्लिका के रूप में विराजमान हुई हैं, और शिव वहां अर्जुन के रूप में, अर्जुन नाम से विराजमान हुए हैं। तो गौरी शंकर दोनों युग्म रूप में विराजमान हैं, तो श्री शैलम मल्लिकार्जुनम ये दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं। कहिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। भावना में दर्शन करते जाइएगा। अब तीसरे कौन है? उज्जिन्याम महाकाल।
उज्जैन में महाकाल, उज्जैनी क्या कहना, उज्जैन भी बहुत प्यारे हैं। उज्जैन महाकाल की तो नगरी है, उज्जैन श्री कृष्ण की ससुराल भी है। भगवान के जो द्वारिका लीला में विवाह हुए हैं उनमें पांचवा विवाह मित्र बिंदा जी के साथ हुआ है। वो मित्र बिंदा जी कहां की हैं? उज्जैन की हैं। अच्छा, और उज्जैन श्री कृष्ण का गुरु स्थान भी है। श्री कृष्ण कहां पढ़ने गए? उज्जैन सांदीपनी गुरु जी के पास। क्या कहना, आज भी सांदीपनी मुनि जी का आश्रम है। वहां दो बार कथा हुई, एक बार तो मित्र बिंदा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो विवाह उत्सव हुआ 3 दिन, और एक बार महाकाल के मंदिर के भीतर ही जो कथा मंडप है वहां सुदामा जी का चरित्र हुआ 5 दिन तक, क्योंकि वहीं श्री कृष्ण सुदामा जी का दिव्य मिलन हुआ। तो श्री कृष्ण की ससुराल भी है, श्री कृष्ण का गुरु स्थान भी है, और महाकाल की तो नगरी है उज्जैन। यहां महाकाल कैसे स्थापित हुए तो शिव पुराण में कथा है, एक अग्निहोत्री ब्राह्मण थे जो वेद पाठी थे, त्रिसंध्या करने वाले थे, और प्रतिदिन शंकर भगवान का दिव्य अभिषेक करते थे पार्थिव लिंग बना करके। पास में एक रत्नमाल नामक पर्वत था, वहां पर एक दूषण नामक दैत्य रहता था जो स्वाभाविक रूप से ही संतों से ऋषियों से द्वेष करता था। उसने देखा ये सवेरे सवेरे कौन ब्राह्मण नमः शिवाय करने बैठ जाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ का धुआं उठता है, मंत्र जप करता है, मुझे व्यवधान होता है, पहले तो अपने और सैनिकों को उन ब्राह्मण को कष्ट देने के लिए भेजा। लेकिन वह अग्निहोत्री जो ब्राह्मण थे वे ऐसे शिव उपासक थे कि शिव अर्चना करते करते उनको देह का अनुसंधान नहीं रहता था, और जो कोई दैत्य उनको सताने जाता था तो भोले बाबा का त्रिशूल उन ब्राह्मण की परिक्रमा करता रहता था, माने रक्षा करता रहता था, तो कोई उनको विघ्न नहीं कर पाया। आखिर में वह दूषण दैत्य जो महान बलशाली था अपनी पूरी शक्ति के साथ उन अग्निहोत्र ब्राह्मण को मारने के लिए टूट पड़ा। लेकिन वह अग्निहोत्र ब्राह्मण तो अपनी सेवा में लगे थे, उनको होश नहीं। जैसे मारने के लिए दूषण दैत्य टूट पड़ा है उसी समय उन ब्राह्मण के सेवित पार्थिव शिवलिंग से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए। कहिए महाकाल भगवान की जय हो। साक्षात महादेव प्रकट हो गए, और कैसे, उस दैत्य को त्रिशूल से नहीं मारा, ग्रंथ में क्या लिखा है, केवल महादेव ने हुंकार की। जैसे महादेव ने हुंकार की, अब महाकाल की तो हुंकार भी कौन झेले, बस महाकाल ने हुंकार भरी और वह दूषण दैत्य समाप्त हो गया, महाकाल प्रकट हो गए। और जैसे उन अग्निहोत्र ब्राह्मण ने साक्षात स्वरूप को देखा तो भोलानाथ के चरण पकड़ लिए, हे नाथ ये दैत्य तो मेरे लिए बहुत परोपकारी हो गया, अभी तक तो आपके शिवलिंग बनाता था, भावना करता था, अरे मेरे जीवन की ये महान विपत्ति मेरे लिए महान संपत्ति हो गई। यदि इस दूषण दैत्य ने मेरे ऊपर प्रहार न किया होता, हमला न किया होता, तो आज साक्षात रूप में मुझे आपका दर्शन न हुआ होता। हे ब्राह्मण मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हूं, मांगो मांगो, क्या मांगते हो? तब उस ब्राह्मण ने यही मांगा। बंधुओं, जो भक्त होता है ना वो केवल अपना कल्याण नहीं चाहता, संसारी का स्वभाव होता है बस मेरा कल्याण हो और ज्यादा से ज्यादा मेरे परिवार का, मेरे पत्नी बच्चों का। लेकिन संत उसको कहते हैं जो सारे जगत का कल्याण चाहता है।
जो सबका कल्याण चाहता है। वो अग्निहोत्र ब्राह्मण चाहते तो अपने लिए कितना वर मांग सकते थे, लेकिन भोलानाथ जब वर मांगने को कहे तो यही कहा है, भोलानाथ आप आते हुए तो अच्छे लगते हो, जाते हुए अच्छे नहीं लगते, तो बस अब इस रूप से यहीं विराजमान रहो। हो सकता है मेरे बाद कोई आपका इतना कठिन जब तप कर पाए न कर पाए, पर हे महाप्रभु आप यहां अवस्थित होइए और जो आपका दर्शन करता है उसके जीवन के काल के भय को दूर करके उसको निर्भय कर दीजिए। आहा, तब भोलानाथ क्या कहे, अब मैं यहां विराजमान रहूंगा और मेरा नाम होगा महाकाल। एक काल है, एक महाकाल है, जब महाकाल की कृपा हो तो काल क्या करेगा भैया, काल तो महाकाल को देख के डर के भाग जाता है। शिव महाकाल है, विराजमान हो गए, यहां पर हर काल का भय दूर होगा। इसलिए जब जन्म पत्री में काल सर्प योग होता है, और वो एक प्रकार का योग है, अगर वो है तो प्रगति में बाधा रहेगी, उसका निवारण करवाना चाहिए, लेकिन सबसे ठीक तरीके से काल सर्प योग का निवारण यदि कहीं होता है तो वो महाकाल में ही होता है। बाकी अन्य जगहों का भी उल्लेख है, लेकिन सबसे उचित रूप से पूर्ण रूप से समाधान अगर होता है तो महाकाल जी में होता है, उज्जैन में। क्या कहना, तो महाकाल रूप में भोलानाथ विराजमान हो गए, अवस्थित हो गए। फिर कुछ काल के बाद वहां एक चंद्रसेन नामक राजा हुए, वो भी उनकी सेवा पूजा करते थे। वहीं पर एक श्रीकर नाम का गोप बालक था, तब तक ऐसे मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, सार्वजनिक मंदिर नहीं था, बाद में चंद्रसेन राजा हुए, वो पूजा सेवा करते थे। एक गोप बालक हुआ श्रीकर नाम का, वो अपनी मैया के साथ जा रहा था, वहां से निकला हुआ देखा राजा अर्चना कर रहा है, सेवा कर रहा है, अपनी मैया को कहा मैं भी करूंगा। मां ने कहा बावरे राजा का मंदिर है, वो सब लोग नहीं जा सकते, चल यहां से। लेकिन वो बच्चा हट करते ही रहा, नहीं मैं भी शंकर जी की पूजा करूंगा। मां ने कहा बेटा वो राजा का मंदिर है। बोले तो मैं अपना अलग शिव मंदिर बनाऊंगा। कैसे, तो पास में छिप्रा नदी है ना, वहां से उसने एक गोल गोल पत्थर उठा लिया, शंकर जी के जैसा, शिवलिंग के जैसा, और घर पर बैठ करके उसी शिवलिंग की पूजा करने लग गया, तन्मय होकर के अभिषेक कराता था, जल चढ़ाता था, बेलपत्र चढ़ाता था, क्या क्या करता था। अम्मा बहुत दुखी हो गई, ये कुछ काम धाम ही नहीं करता, बस उस पत्थर की पूजा में लगा रहता है। तो कथा है उसकी माँ ने उस पत्थर को उठा के छिप्रा नदी में फेंक दिया एक दिन, चल हट, रात दिन इसी में लगा रहता है। तो जैसे उस शिला को उसकी माँ ने फेंका नदी में, तो वो बालक व्याकुल होकर चीख चीख कर रोने लग गया, मेरे भोलानाथ, मेरे भोलानाथ, मेरे भोलानाथ। और वह बालक छिप्रा नदी में कूद के प्राण त्याग देता, मां व्याकुल हो जाती, वो बालक भागता रहा मेरे भोलानाथ, मेरे भोलानाथ कहते कहते, और कूद जाना चाहता था। उसी समय उस महाकाल के शिवलिंग से पुनः महाकाल प्रकट हो गए और उस भागते डूबते बच्चे को बचा लिया। राजा देखता रह गया और भोलानाथ ने कहा मैं महाकाल हूं, अग्निहोत्री ब्राह्मण के लिए प्रकट हुआ था, अब यह मंदिर सार्वजनिक है, केवल राजा का नहीं है, सब लोग आकर के यहां पूजा सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आज महाकाल जी में भी यही नियम है, एक समय निश्चित है, उस समय जाके खूब अभिषेक करिए, दर्शन करिए, और संध्या समय तो दिव्य भस्म आरती होती है, उसका तो क्या कहना। महाकाल ये कौन से ज्योतिर्लिंग है, तृतीय उज्जिन्या
महाकालम। और चतुर्थ कौन है? ओंकारम परमेश्वरम। चौथे ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। इनके कई नाम हैं, ओंकारेश्वर, परमेश्वर, अमरेश्वर, अमलेश्वर, कई नाम है इनके। ये कहां विराजमान है? ये मानधाता पर्वत पर विराजमान है। मानधाता बड़े प्रतापी राजा हुए। इनके दो महान प्रतापी पुत्र हुए, अम्बरीश और मुचकुंद जी, जो महान वैष्णव हुए। इन्होंने इसी ओंकारेश्वर स्थान पर आकर के, नर्मदा जी का पावन तट है और नर्मदा जी वहां दो धारा में बहती हैं, बीच का स्थान एक टापू जैसा बन गया है, वहीं पर एक पर्वत है, उसको मानधाता पर्वत बोलते हैं। भक्त लोग उसकी परिक्रमा करते हैं, जिसको ओंकार का स्वरूप माना गया है। तो वहां पर मुचकुंद जी महाराज और अम्बरीश जी महाराज ने शिव अर्चना की थी और भोले बाबा इन महावैष्णवों की उपासना को स्वीकार करने के लिए वहां स्वयं प्रकट हुए थे, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर के रूप में। वहां ओंकार के भीतर में अमलेश्वर भगवान विराजमान है। ये क्या करते हैं? इनका जो दर्शन करता है, इनका जो पूजन करता है, तो भोलानाथ उसके जीवन के सारे मल का हरण कर लेते हैं। अभी सुना ना, जीव का स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये अमलता कौन देते हैं? ये अमलता अमलेश्वर भगवान देते हैं, ओंकारेश्वर भगवान देते हैं, क्या कहना। तो चतुर्थ ज्योतिर्लिंग कौन है? ओंकारम परमेश्वरम। और पांचवें ज्योतिर्लिंग कौन है बताइए जल्दी? केदारम हिमवत प्रस्थे। पांचवें ज्योतिर्लिंग कौन है कहिए? केदारनाथ भगवान की जय हो। मन से यात्रा करिए महाराज, करिए केदारनाथ जी का दर्शन। ये ऊंचे ऊंचे हिमालय के शिखर बर्फ से ढके हुए, और उन समस्त बर्फ से ढके हुए पर्वतों के बीच में कल्लोल करती हुई मंदाकिनी बह रही है, और उन मंदाकिनी के ऐसा जल है, मंदाकिनी जी का पवित्र शीतल तो इतना है कि उंगली डालो तो सुन्न हो जाए, शीतल तो इतना है पर निर्मल इतनी है, लगता है जल में नील घोल दिया है किसी ने। ये उफन के मंदाकिनी बहती हैं। उन्हीं मंदाकिनी के दिव्य पुलिन पर केदार भगवान विराजमान है। इन केदार भगवान को किसने विराजमान किया? अरे भैया, एक केदारनाथ तो बद्रीनाथ के मित्र हैं। जय हो। आप देखिएगा, जितने वैष्णव क्षेत्र हैं वहां पर कोई प्रधान शिवपीठ विराजमान है, और जितने शिव क्षेत्र हैं उनमें कोई प्रधान वैष्णव पीठ विराजमान है। काशी जाइए, है तो विश्वनाथ की नगरी, पर शास्त्र में खोल के देखिएगा काशी के प्रधान देवता कौन है। काशी के प्रधान देवता बिंदु माधव हैं, और शिव कांची, वहां के प्रधान देवता भरदराज भगवान हैं। अच्छा, बद्रीनाथ जी जो हिमालय हैं, वो हमने सुना ना तीसरे दिन की कथा में, हिमालय जो है वो नारायण का स्वरूप है। तो हिमालय जो क्षेत्र है वो वैष्णव क्षेत्र है, बद्री वन है, बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है, लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? केदारनाथ। हमारा वृंदावन धाम श्याम सुंदर का धाम है, राधा रानी का धाम है, लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? गोपेश्वर महादेव। अरे द्वारिका जी श्री कृष्ण का धाम है, लेकिन वहां के प्रधान देवता कौन है? अभी हम लोग सुनेंगे, नागेश्वर महादेव। कोई बद्रीनाथ जी की यात्रा करे पर केदारनाथ दर्शन न करे तो बद्रीनाथ का दर्शन पूर्ण नहीं होता। तो शिव क्षेत्र में नारायण विराजमान है और वैष्णव क्षेत्र में शिव विराजमान है।
तो जब बद्रीनाथ विराजे ना, बद्रीनाथ कैसे विराजे, नर नारायण के रूप में। पुचकच नामक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। तब इसने कहा कि मुझको सहस्त्र कवच दे दो। सहस्त्र कवच, अच्छा ऐसे कवच दे दो कि कोई योद्धा एक कवच को काटे तो उसकी मृत्यु हो जाए। अच्छा, और एक कवच को भी वो काटे जो कम से कम 1000 बरस तक तप करे, 1000 बरस तक तप करे, फिर मेरे साथ युद्ध करे और मेरा एक कवच काटे तो मर जाए, ऐसे मुझे 1000 कवच दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो सहस्त्र कवची इसका नाम हो गया। अब तो महाराज इसने बहुत उत्पात मचाया, देवता दुखी हुए, भगवान को प्रार्थना किए, तब नर नारायण भगवान प्रकट हुए धर्म के यहां मूर्ति देवी के गर्भ से। ये भागवत जी की कथा है, अनेक कथा भागवत जी शिव पुराण की मिली हुई है। तो प्रकट हुए नर नारायण भगवान, और इसकी शर्त ये थी कि जो 1000 बरस तप करे वो मेरे एक कवच को काट पाए। नर नारायण रूप में भगवान प्रकट हुए, और बद्रीनाथ जी में एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है। एक भाई एक पर्वत पे, दूसरा भाई दूसरे पर्वत पर विराजमान हो गया। एक भाई 1000 बरस तक तप करता था, और फिर तप करने के बाद युद्ध करता था, युद्ध करके उसके एक कवच को काटता था, कवच को काटते ही वो भाई मर जाता था। दूसरा भाई इतने तप कर रहा होता था, वह मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मृत भाई को जीवा देता था, फिर वो मृत भाई तप करने लगता था, जीवित भाई युद्ध करने लगता था, 1000 बरस युद्ध करके कवच काटता था, फिर वो मरता था, इतने में 1000 बरस का तप पूरा हो जाता था, वो उसको जीवा देता था, वो लड़ने। ऐसे भगवान गणित बिठा दिए, और ऐसा गणित बिठाया बेचारे सहस्त्र कवची के 999 कवच नष्ट हो गए। अब तो ये घबराया, जिन्होंने 999 काट दिए वो 1000वां भी काट देंगे, मुझे मार देंगे, क्या करूं। तब ये सहस्त्र कवची राक्षस सूर्य मंडल में प्रविष्ट हो गया। ठीक, तब कब आया है सूर्य मंडल से बाहर जानते हैं आप, जब कुंती बुआ ने उनको वरदान था ना, जिस देवता को चाहोगी प्रकट हो जाएंगे, दुर्वासा जी से। तब कुंती बुआ ने एक बार सूर्य भगवान का आह्वान किया था, तब सूर्य भगवान वर देने आए थे। कुंती बुआ घबरा गई, अरे मैंने तो केवल मंत्र का परीक्षण किया था, मुझे आपसे चाहिए कुछ नहीं। सूर्य भगवान ने कहा हमारा आना तो अमोघ है, आए हैं तो वर भी देंगे। क्या वर देंगे? बोले अब मैं तुमको एक पुत्र दे देता हूं। कुंती बुआ ने कहा कि आप पुत्र दे देंगे, मेरा विवाह नहीं हुआ है, लोग क्या कहेंगे। तब सूर्य भगवान ने कहे तुम्हारे उदर से पुत्र का जन्म नहीं होगा, कान से जन्म होगा। तब किसका जन्म हुआ? कान से, कर्ण का। ये कर्ण कौन है? ये वही सहस्त्र कवची दैत्य है। इसलिए कर्ण के शरीर पर एक कवच था कि नहीं था, कि वो जन्म लेके कवच लेके पैदा हुए, कवच आ कहां से गया? अरे वही सहस्त्र कवची के 999 कवच को नर नारायण काट दिए थे, एक कवच बचा था। अच्छा, फिर उस कवच को किसने काटा? अर्जुन ने। क्यों? अर्जुन भी अवतार है, अर्जुन नर भगवान का अवतार है और श्री कृष्ण तो नारायण है, तो इस बार नर की बारी थी, तो अर्जुन ने कर्ण का उद्धार किया। तो ये नर नारायण भगवान कहां तप किए? हिमालय पर। एक नर पर्वत है, एक नारायण पर्वत है, और नर नारायण पर्वत की तरहटी में किनका मंदिर विराजमान है? कहिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। बद्रीनाथ जी विराजमान है, और जहां नारायण है वहां नारायण के अभिन्न तनु शिव है, तो मेरे नारायण यहां बद्रीनाथ के रूप में पर्वत पर रहेंगे तो मैं भी तो यहां रहूंगा। तो भोलानाथ स्वयं आके विराजमान हुए।
वहां केदारनाथ की पूजा बद्रीनाथ करते हैं और बद्रीनाथ जी की पूजा केदार बाबा करते हैं, क्या कहना। अच्छा, बद्रीनाथ जी से कौन नदी बह रही है? नरनारायण पर्वत है। नरनारायण पर्वत की पूर्व दिशा में बद्रीनाथ है, जहां से अलकनंदा निकलती हैं, और नरनारायण पर्वत की पश्चिम दिशा में केदार हैं, वहां से कौन निकलती है? मंदाकिनी। और ये अलकनंदा मंदाकिनी बहती हैं, नीचे आइए रुद्रप्रयाग में, आपने दर्शन किया हो, बड़ा जोरदार दर्शन है। जब अलकनंदा और मंदाकिनी निकलती हैं और नीचे आइए देवप्रयाग में, तब ये दोनों अलकनंदा और मंदाकिनी आखिर में गंगा जी में मिल जाती हैं। अलकनंदा नारायण के चरणों से निकलती हैं, मंदाकिनी शिव के चरणों से निकलती हैं। अर्थात हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो मानिए शिव के चरणामृत में भी स्नान करते हैं और नारायण के चरणामृत में भी स्नान करते हैं। इसलिए गंगा जी को प्रणाम करके माथे पर जल लगा के तब स्नान किया जाता है। तो केदार बाबा विराजमान हो गए, जिस पर्वत की तरहटी में केदार बाबा विराजमान है उसको कहते हैं केदार घाटी, केदार श्रृंग है, वो हिमालय सब पर केदार श्रृंग कहलाते हैं। आए तो स्वयं है लेकिन खोज किसने की? खोज की पांडवों ने। जब पांडव लोग वन प्रांत में निवास किए तो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए उत्तराखंड की यात्रा करते करते जब हिमालय पहुंचे तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि केदार घाटी में केदारनाथ है, पर मिल नहीं रहे। पूछे किससे? चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बताए कौन? तब पांडवों ने कहा हम भोलानाथ का स्मरण करेंगे। तो पांचों पांडव भोलानाथ का स्मरण करने बैठ गए तो क्या दिखाई दिया? उसी समय इन पांडवों को एक वृषभ दिखाई दिए, नंदी दिखाई दिए। तब ये जरूर शंकर जी के नंदी होंगे, ये मान के उस नंदी के पीछे भागे तो नंदी भी भागे, वो तो साक्षात भोलानाथ थे। और तो पीछे रह गए पर भीमसेन ने पीछा नहीं छोड़ा। तो जहां पर केदारनाथ भगवान है वहां पर वो नंदी माने भोले बाबा पृथ्वी में प्रवेश कर गए। तो पीछे से भीमसेन आए तो भोलानाथ प्रवेश कर चुके थे लेकिन पीठ वाले भाग को भीमसेन ने पकड़ लिया, अब नहीं जाने दूंगा। तो जरा केदारनाथ में दर्शन आप करिए, वहां किसी की बनाई शिवलिंग नहीं है, आपने दर्शन किया होगा, वहां तो अनगढ़ शिवलिंग है, एक छोटा पर्वत का शिखर ही तो है ना, वहां कोई जलहरी छोड़ो है, वो तो बाद में बनाई गई है। वास्तव में तो वो नंदी भगवान की पीठ ही है जिसको भीमसेन पकड़ लिए। अच्छा, पीठ वाला भाग तो केदारनाथ में, तो मुख वाला भाग कहां है जानते हैं? मुख वाला भाग है नेपाल में पशुपतिनाथ में। पशुपतिनाथ भगवान के चार मुख हैं कि नहीं है? तो मुख वहां जाके प्रकट हुआ है, पीठ यहां रह गई है। इसलिए क्या लिखा है? केदारम हिमवत पृष्ठे, वह भोलानाथ का पृष्ठ भाग है, पीठ वाला हिस्सा है। सब पांडवों ने पूजा अर्चना की है, बंधुओं क्या कहना। आज युग बीत गए, जो वर्तमान मंदिर है ये किन्होंने निर्माण किया? मंदिर बनते रहे टूटते रहे, लेकिन वर्तमान जो मंदिर है ये लगभग 2500 साल पुराना है। जो शंकराचार्य भगवान की आविर्भाव तिथि आधुनिक लोगों के द्वारा बताई जाती है वो गलत है। शंकराचार्य भगवान की आविर्भाव तिथि ईसा के पूर्व है, उनको लगभग 2500 वर्ष हुए हैं। इसलिए पुरातत्व विभाग भी कहता है जो केदारनाथ का मंदिर है वो लगभग 2000 साल से पुराना है। अच्छा, एक बात आपसे पूछते हैं, आपने दर्शन किया हो, केदारनाथ का मंदिर जिस प्रकार के पत्थरों से बना है वो पत्थर क्या उस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नहीं, वहां अलग प्रकार का पत्थर है।
केदारनाथ का मंदिर जिस प्रकार के पत्थर से बना है, न तो चूना लगा है, न सीमेंट लगा है, न लोहा लगा है। अच्छा, वो पत्थर वहां नहीं मिलते। अब आश्चर्य क्या है, तो वो पत्थर कहीं और से लाए गए होंगे। अरे आज तो लोग कहते हम इतने आधुनिक हो गए, आज भी केदारनाथ में अगर एक माचिस भी जाती है तो वो नीचे सीतापुर से जाती है। जाती है कि नहीं जाती? या तो हेलीकॉप्टर से जाएगी या पिट्ठू के ऊपर जाएगी। तो प्रश्न ये है कि 2500 साल पहले तो हेलीकॉप्टर नहीं थे, तो इतने बड़े बड़े मंदिर के पत्थर वहां पहुंचे कैसे थे? लोग कहते हैं आश्चर्य, चमत्कार, अचंबा। हमें तो केदारनाथ का मंदिर ही चमत्कार लगता है। आज भी एक माचिस हेलीकॉप्टर से जाती है ऊपर, तो 2500 साल पहले मंदिर बना था तो शिला कैसे गई थी? तो मानना पड़ेगा हमारे शंकराचार्य भगवान स्वयं शंकर हैं। उन शंकर ने अपनी दिव्य शक्ति से बनाया मंदिर। जो लोग पूछते हैं ना कि वो दशरथ जी की रानियों को खीर खाने से बालक उत्पन्न कैसे हो गए, अब क्यों नहीं होते? ओ गणेश जी को हाथी का सिर लगा दिया, विधर्मी लोग प्रश्न करते हैं ना। अरे जिन बातों का उत्तर विज्ञान नहीं खोज पाया उनको असत्य मान लेंगे क्या? आपको अपने दादा के दादा का नाम नहीं पता तो ये मान लें कि आपके दादा के दादा नहीं थे? कैसे मान लें? हमारे दादा के दादा के दादा के दादा भी थे। प्रमाण क्या है? हम प्रमाण है। हम कहां से आ गए यदि हमारे दादा के 50 पीढ़ी पहले दादा नहीं थे? थे ना। हम नाम न जानते हो ये अलग बात है, पर हम हैं तो प्रमाण है कि 1000 पीढ़ी पहले आपके भी पूर्वज थे, हमारे भी पूर्वज थे। तो कहां से पत्थर गए थे? और अचंबा सुनिए, सीमेंट नहीं लगा, चूना नहीं लगा, लोहा नहीं लगा, तो पांचवें ज्योतिर्लिंग कौन है? केदारम हिमवत् पृष्ठे। उस हिम के श्रृंग पर केदार बाबा विराजमान है। एक बार जयकार तो लगाइए, कहिए केदारनाथ भगवान की जय हो, बद्रीनाथ भगवान की जय हो, शंकराचार्य भगवान की जय हो। क्या कहना, पांचवें ज्योतिर्लिंग, छठे कौन है? डाकिन्या भीम शंकर। कितने हो गए? छठे ज्योतिर्लिंग हो गए। पांच हो गए केदार तक, अब छठे ज्योतिर्लिंग कौन है? छठे ज्योतिर्लिंग है भीम शंकर। भीमा नदी के तट पर ये भीम शंकर भगवान कैसे प्रकट हुए? एक कामरूपेश्वर नामक राजा था, भोले बाबा की पूजा सेवा करता था, वन में रहता था भीम नदी के किनारे। जो रावण का भाई कुंभकर्ण था, इसकी पत्नी थी कर्कटी, उसका पुत्र था भीमासुर। तो वो भीमासुर पूछता था अपनी मां से, मेरे पिताजी को क्या हुआ, सब लोग कहां गए? तो वो मां बताती थी कि तेरे पिता का, ताऊ का, सबका संहार हो गया। किसने किया? स्वयं भगवान ने आके किया। तो मेरे जो पिता थे, पितृव्य थे, चाचा ताऊ थे, बहुत बलवान थे, तो वो जीते क्यों नहीं? बोले कि वो भगवान से विमुख हो गए थे और सारे ऋषि मुनि उनके विरुद्ध एकत्र हो गए, तो ऋषि मुनियों का बल भारी पड़ गया। बोले ऋषि मुनियों का बल क्या है? बोले यज्ञ, पूजा, पाठ, रुद्राभिषेक, ये सब जो सत्कर्म है ये ऋषि मुनियों के बल हैं। तो इस भीमासुर नाम के असुर ने कहा, अब मैं पृथ्वी पर किसी को भी यज्ञ नहीं करने दूंगा, रुद्राभिषेक नहीं करने दूंगा, पूजा पाठ नहीं करने दूंगा। और ये द्वेषी होकर के सबको दुख देने लगा। उसी सिलसिले में ये
कामरूपेश्वर नाम के राजा के निकट भी आया। वही भीमा नदी के तट पर वह पार्थिव लिंग बना करके पूजा कर रहे थे। बस इस भीमासुर ने उन राजा को मारना चाहा, पर महाकाल कहां मारने देते। तभी उस पार्थिव लिंग से हर 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 शंभु, हर हर शंभु कहते हुए भोलानाथ प्रकट हो गए, उस भीमासुर का संहार कर दिया। कामरूपेश्वर राजा को वर मांगने को कहा तो वे क्या वर मांगे, बस यही वर चाहिए, प्रकट हो गए हो यहीं विराजो। तब तक उस दैत्य में भी प्राण थे, संहार तो कर दिया था पर प्राण बाकी थे। उस भक्त की महिमा देख के, भोलानाथ का स्वरूप देख के, उस कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का मन भी परिवर्तित हो गया। तब का, हे भोलानाथ, मैंने बुरे कर्म तो किए हैं लेकिन आपके त्रिशूल से मेरा संहार हुआ है, और आपका त्रिशूल केवल असुर को नहीं मारता, आपका त्रिशूल असुर के समस्त पापों का भी संहार करता है। तो हे भोलानाथ, अब मुझे भी अपने गणों में शामिल करो। अब भोलानाथ तो भोलानाथ, ठीक है, जो ज्योतिर्लिंग हमारा यहां स्थापित होगा उसका क्या नाम होगा, कहिए भीमा शंकर भगवान की जय। तो भीम शंकर रूप से भोलानाथ छठे ज्योतिर्लिंग के स्वरूप से विराजमान हुए। अब सातवें ज्योतिर्लिंग कौन है, क्या कहना। वाराणस्याम च विश्वेशम, सातवें ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी में भोलानाथ करते क्या है, यहां पर भी जो काशी के विश्वनाथ हैं किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं है, ये काशी के विश्वनाथ नारायण के द्वारा स्थापित हैं। पहले काशी वैष्णव क्षेत्र था, बिंदु शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उन्हीं के ठाकुर बिंदु माधव, और उन्हों बिंदु माधव नारायण ने भोलानाथ को स्थापित किया। क्या कहना, बड़ी महिमा है काशी की। जो सप्तपुरियां हैं ये भगवान के अंगों में विराजमान हैं, तो कोई पुरी भगवान के चरण है, कोई पुरी हाथ है, मथुरापुरी भगवान का हृदय है, काशीपुरी जानते हैं भगवान का कौन अंग है, विराट रूप भगवान की काशीपुरी नाक है, इसलिए ज्ञान की परीक्षा काशी में होती है। काशीपुरी नाक है पुरी रूप भगवान के, और गंगा जी तो क्या कहना, बिंदु माधव भगवान का क्या कहना, ढूढ़ी राज गणेश, अन्नपूर्णा मैया, विशालाक्षी देवी, मणिकर्णिका घाट, हमारे महाप्रभु जी 2 महीना निवास किए हैं काशीपुरी में महाराज। आज भी चैतन्य वट स्थान है, अभी काशी जी में कथा थी राम कथा, तो वहां सवेरे राम कथा होती थी और संध्या समय काशीपुरी के अलग अलग स्थानों पर बैठ करके दिव्य दर्शन होते थे। एक एक जगह बैठ के वहां का महात्म श्रवण होता था, कीर्तन होता था, उत्सव होता था। ऐसा ही सौभाग्य फिर प्राप्त होने वाला है 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। अब जगन्नाथपुरी की दिव्य यात्रा है, वहां पर भी सवेरे तो कथा होंगी और संध्या समय जगन्नाथपुरी के विविध स्थलों पर अपने गौरांग महाप्रभु जी 24 वर्ष विराजमान रहे हैं। ऐसी ऐसी लीला स्थली जो किसी ने देखी ना हो, सुनी ना हो, ऐसी ऐसी लीला स्थलियों पर बैठ करके दर्शन करने का, वहां की महिमा श्रवण करने का, वहां पर बैठकर सत्संग करने का अवसर हम सबको 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पितृपक्ष में प्राप्त होने वाला है। और वहां श्वेत गंगा पर सब भक्त लोग तर्पण भी करेंगे, जैसे पीछे द्वारिका जी में हुआ था। क्या कहना, तो काशी की तो अनंत महिमा है। अरे ग्रंथ में तो यहां तक लिखा है कि सब जगह प्रलय आती है, काशी में प्रलय नहीं आती। बोले काशी में क्यों नहीं आती प्रलय, बोले जब प्रलय आती है तो भोलानाथ काशीपुरी को अपने त्रिशूल के ऊपर उठा लेते हैं। काशीपुरी में प्रलय नहीं आती, काशीपुरी का जो त्रिकोणात्मक क्षेत्र है
उसके भीतर किसी का शरीर छूट जाता है तो उसने कैसा पाप कर्म किया हो बंधुओं, उसको शिव सायुज की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशीपुरी में तो मुक्ति भवन है, वहां लोग मरने जाया करते हैं कि काशीपुरी में शरीर छूटे, और सब जगह से जल लाया जाता है पर काशीपुरी से गंगा जी का जल नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? ग्रंथ में निषेध किया गया है, जल के भीतर भी कोई कीड़ा तो रहते ही है, जल में कोई ना कोई छोटे जीव रहते ही है, हमको दिखे ना दिखे। और हम काशीपुरी से जल भर के ले आए तो उन जीवों को अपने घर ले आए, यदि वो जल के जीव काशी में मरे होते तो उनका मोक्ष हो जाता, और हम लोग उनका काशीवास छुड़वा के घर ले आए तो उन सब जीवों को काशीपुरी के बाहर लाने का पाप लगता है, इसलिए काशीपुरी से जल भर के नहीं लाते। तो काशी के जो विश्वनाथ भगवान हैं, ये वास्तव में नारायण के द्वारा विराजमान है। और शिव महापुराण में तो ये भी कथा लिखी है कि जब शीर्षाई विष्णु जी सृष्टि रचना का संकल्प किए, एको हम बहु श्याम ये संकल्प किए, तो पहले भोलानाथ का तप किए बैठ के, पहले तप किया स्वयं नारायण ने, और फिर उस तप के परिणाम स्वरूप उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, क्योंकि किसी कल्प में नारायण से सृष्टि का प्रारंभ है, किसी कल्प में शिव से भी सृष्टि है, तो पहले शिव का तप किया और फिर उनकी नाभि से कमल प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से सृष्टि रचना का कार्य हुआ। तो भगवान नारायण के द्वारा स्थापित हैं, और अगस्त जी ने आपकी सेवा की है, और वहां करते क्या है भोले बाबा, हर जगह की एक महिमा है, काशी में बैठ के क्या करते हैं देखिए। अमरनाथ में बैठ के भोले बाबा जगदम्बा पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, और काशी में बैठ के भोलानाथ कीर्तन करते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। महामंत सोई जपत महेशु, काशी में मरने से काश्यान मरनान मुक्ति कहा गया है वेदों में, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, पर क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि काशी में जिसके प्राण छूटते हैं उसको अंतिम समय भोले बाबा आके कान में महामंत्र सुनाते हैं, इसलिए। तो भोलानाथ काशी में बैठ करके महामंत्र जपा करते हैं, कीर्तन किया करते हैं, और काशी में शक्तिपीठ भी है। क्या नाम है? विशालाक्षी। सती माँ का कौन अंग गिरा था वहां? कान के कुंडल गिरे थे। अच्छा, काशी में ही क्यों गिरे थे जी कान के कुंडल? माने कर्ण कमल गिरा, कान के कुंडल गिरे क्यों? क्योंकि सती रूप में कथा तो नहीं सुनी थी उन्होंने, कथा तो आप सुन चुके ना ये प्रसंग, सती रूप में कथा नहीं सुनी थी तो काशी में कान गिरे। अर्थ क्या है? अब मैंने अपनी श्रवण इंद्री यहां घेर दी है, हे भोलानाथ अब खूब हरि का नाम सुनाओ और खूब हरि की कथा सुनाओ, मेरे कानों को तृप्त कर दो। तो उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं, और उसी मणिकर्णिका घाट के निकट विशालाक्षी देवी का मंदिर है, वो सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है। और बाकी तो महाराज काशी के मंदिरों को गिने कौन, असंख्य मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी संपूर्ण लीला में काशी रहे हैं, काशीपुरी में। आज भी असी घाट के पास तुलसी घाट है बंधुओं, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विराजे, आज भी वह मंदिर है। काशीपुरी की यात्रा में एक दिन वहां बैठ के भी सत्संग हुआ, जिस तखत पर गोस्वामी तुलसीदास जी लगभग 75 वर्ष विराजे होंगे वो तखत भी वहां है। भक्त लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी के स्थापित भोलानाथ हैं, तुलसीदास जी के स्थापित हनुमान जी हैं, तुलसीदास जी के सेवित भगवान सीताराम हैं,
एकदम असी घाट से लगा हुआ। आज भी वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी नौका से बैठ करके गंगा जी के उस पार नित्य क्रिया से निमित्त होने जाते थे, तो जिस नौका में जाते थे उस नौका का टुकड़ा भी रखा हुआ है। गोस्वामी जी की हस्तलिखित पोथी भी वहां विराजमान है। तो गोस्वामी जी अयोध्या वास कर सकते थे? नहीं कर सकते थे क्या? वृंदावन वास कर सकते थे? चित्रकूट वास कर सकते थे? नहीं। कहीं मैं आखिर समय राम नाम भूल गया तो कौन याद कराएगा? यदि काशी में मेरा शरीर छूटेगा तो महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। यहां काशी में तो भोलानाथ मरने वाले को राम नाम सुनाते हैं। अरे मरने वाले की छोड़िए, दुनिया में कहीं ऐसा शमशान नहीं है जहां दाह संस्कार की वेटिंग लिस्ट चलती हो, लेकिन काशी का शमशान ऐसा है जो कभी ठंडा नहीं होता। दुनिया में और जगह रात को अग्नि नहीं दी जाती, पर विश्वनाथ की नगरी में रात दिन दाह संस्कार होते हैं। क्यों? वो महाशमशान है, अखंड शमशान है वहां। अरे मरने वाली की छोड़िए, जिसका अंतिम संस्कार होता है उसको भी भोलानाथ आके कान में राम नाम सुनाते हैं। क्या महिमा है! सारी दुनिया में तो रंगों से होली खेलते हैं। भोले बाबा की होली तो आपने सुनी होगी ना, काशी की मसान की होली, वहां चिता की भस्म से होली खेली जाती है। मसान की होली काशी की तो विश्व प्रसिद्ध है। अपने महाप्रभु जी मणिकर्णिका घाट पर विराजे हैं। मणिकर्णिका घाट पर शिव 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 कह के महाप्रभु जी कीर्तन किए हैं। तपन मिश्र जी के घर पर विराजे, चेतन भट्ट पर विराजे महाप्रभु जी। मणिकर्णिका घाट पर स्नान किए, गंगा जी में स्नान किए, विश्वेश्वर भगवान का अभिषेक किए महाप्रभु जी। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। आहा, अब जल्दी काशी विश्वनाथ का भी मामला सुलझे और मूल स्थान हम हिंदुओं को प्राप्त हो। हम तो यहां शिव महापुराण की कथा का यदि कोई फल मिलता हो, भोलानाथ तुम्हें कोई फल देना हो, और हरि शरण वाजपेयी जी भी यही विनती करें कि शिव कथा का यदि कोई फल हो तो यही फल हम हिंदुओं को मिले कि काशी विश्वनाथ संपूर्ण रूप से सनातन धर्मियों को अति शीघ्र प्राप्त हो, अति शीघ्र प्राप्त हो। क्या कहना! तो सातवें शिवलिंग कौन है? वाराणस्यां विश्वेशम। और फिर आठवें त्रियंबकम गौतमी तटे। आठवें ज्योतिर्लिंग कौन है? कहिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। त्र्यंबकेश्वर भगवान कहां है महाराज? नासिक में गोदावरी के तट पर। त्र्यंबकम गौतमी तटे। त्र्यंबकम का क्या अर्थ है? तीनों रूपों में जो उद्भासित होते हैं वह त्र्यंबकम है। आपने दर्शन किया होगा त्र्यंबकेश्वर महादेव का, तो एक अर्घा है, लेकिन त्र्यंबकम में अर्घा एक है। शिवलिंग की कितने हैं? तीन। शिवलिंग एक नहीं है। त्र्यंबकम भगवान का दर्शन करिएगा, अर्घा एक, शिवलिंग तीन। तीन क्यों हैं? वहां शिव अकेले नहीं है। ये भोले बाबा की आरती आप गाते हैं ना, तो क्या गाते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ये जो पंक्ति है ये त्र्यंबक भगवान में पूर्ण हो रही है। अर्घा एक है, शिवलिंग तीन है। और ये जितने भी शिवलिंग की चर्चा है ये आदिनांत स्वयंभू हैं, किसी ने बनाए नहीं, पधराए नहीं, स्वयंभू हैं। तीन शिवलिंग हैं, किन्होंने प्रकट किए थे? गौतम जी महाराज ने। जैसे गंगा जी को भगीरथ जी लेके आए थे,
ऐसे गोदावरी को कौन लेके आए थे? गौतम जी महाराज। जैसे गंगा जी को भागीरथी बोलते हैं, ऐसे गोदावरी को क्या कहते हैं? गौतमी। इसलिए शिव महापुराण में गोदावरी तटे नहीं लिखा, क्या लिखा है? त्रियंबकम गौतमी तटे, गौतमी के तट पर। और ये नासिक और उधर उज्जैन, ये दो स्थान ऐसे हैं जहां ज्योतिर्लिंग भी है और जहां कुंभ भी लगता है, कुंभ भी लगता है। तो गोदावरी के तट पर पहले गौतम जी महाराज वहां तप किए, और तप करके भागीरथ जी की तरह वो गोदावरी को लेके आए। वहां तो गोदावरी को ही गंगा माना जाता है, जैसे गंगा जी की महिमा है ऐसे गोदावरी की महिमा है, ऐसे दक्षिण भारत में कावेरी की महिमा है। और नासिक, नासिक को नासिक क्यों कहते हैं? चूंकि वहां लक्ष्मण जी ने सूपनखा की नाक काटी थी। पंचवटी तो पास में ही है, वहां काले राम का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है काले राम भगवान का, वहां नाक काटी थी। अभी भी वो स्थान है, लक्ष्मण रेखा वाला स्थान है। और गोदावरी के तट पर त्र्यंबकेश्वर भगवान है। तो गौतम जी महाराज ने तप किया भगवत प्राप्ति के लिए, पर गौतम जी की तपस्या अद्भुत थी। जैसे कोई तो शिव भक्त होते हैं, कोई विष्णु भक्त होते हैं, कोई देवी भक्त होते हैं, प्राय एक एक इष्ट मूर्ति के भक्त होते हैं। लेकिन गौतम जी कैसे भक्त थे? उनकी त्रिदेवों में समान ममता थी, उनका उतना ही प्रेम ब्रह्मा जी से, उतना ही नारायण से, उतना ही शिव से। और कहते थे मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो गौतम जी को दर्शन देने के लिए त्रिदेव एक साथ प्रकट हुए और तीनों ने कहा वर मांगो, और तीन ठाकुर आ गए। तो गौतम जी क्या कहे? बस वर यही चाहिए, आप तीनों यही विराजमान हो और मैं आप तीनों की संगी संग सेवा करूं, आप तीनों को एक मान के सेवा करूं, आप तीन नहीं हो एक ही हो। बस त्रिदेवों ने कहा ठीक है, कहां विराजमान हो? बोले यहीं गोदावरी के तट पर विराजमान हो। तब एक ही अर्घा में त्रिदेव विराजमान हो गए। कहिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो। तो ये कौन से ज्योतिर्लिंग हो गए? आठवें। अब नौवें कौन है? वैद्यनाथम चिताभूम। नौवें हैं वैद्यनाथ भगवान, क्या कहना, जो चिता भूमि में विराजते हैं। इनको कौन लाए थे? इनका क्या इतिहास है? इनको लाया था रावण। अब रावण तो रावण महाराज, जो सबको रुलावे वो रावण, और जो सबको विश्राम दे वो राम। रावण माने क्या होता है? जो सबको रुलावे वो रावण, और जो सबको विश्राम दे आराम दे सो राम। भक्त तो जबरदस्त था, लगा भोले बाबा के लिए यज्ञ करने, प्रकट हो मुझे मनचाहा वर दो। भोले बाबा नहीं प्रकट हुए तो यज्ञ में ये अपने ही सिर काट काट के चढ़ाने लगा। एक बार सिर काट के चलाया, दूसरा सिर आ गया, फिर दूसरा काटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ सिर काट दिए। जब दसवें सिर की बारी आई, सोई भोलानाथ प्रकट हो गए। भैया अब बंद कर इस खून खराबे को, तेरी तो उपासना भी बड़ा हिंसक है। अरे उपासना तो कम से कम अहिंसक होनी चाहिए, तेरी तो उपासना भी हिंसक है, क्या चाहिए? बस अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। ये दैत्य लोगों ने भैया हमेशा यही मांगा, अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं। कोई हो पाया? रावण अमर हो पाया? हिरण्यकश्यप अमर हो पाया? हिरणाक्ष अमर हो पाया? कंस अमर हो पाया? नहीं हो पाया।
इन सब ने यही वर मांगे, अमर हो जाएं। अच्छा, मीराबाई जी ने कभी वर नहीं मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। तुलसीदास जी, कबीर दास जी कभी वर नहीं मांगे कि हम अमर हो जाएं। तो बताइए, मीराबाई, तुलसीदास जी, सूरदास जी, गुरु नानक देव जी, ये महापुरुष अमर नहीं हुए क्या? अरे असली अमर तो यही है। अमर कौन है? अरे शरीर अमर छोड़ो होता है, अमरता प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? उन प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, उन प्रभु के धाम की प्राप्ति हो जाती है, जिनको प्राप्त करने के बाद फिर कभी मरना नहीं पड़ता, कभी मरण धर्मा संसार में आना नहीं पड़ता, किसी माँ की नाली में पड़ना नहीं पड़ता, उसको अमरता कहते हैं ना। तो मीराबाई अमर नहीं है क्या? तुलसीदास जी अमर नहीं है? सूरदास जी अमर नहीं है? हरिदास जी अमर नहीं? अरे सच्चे अमर तो यही है, क्योंकि इन्होंने इस मरण धर्मा जगत में आके उस अविनाशी प्रभु को पा लिया। रावण ने कहा अमर कर दो, निरोगी कर दो, मेरा बल न घटे, पीछे ही पड़ गया। अब भोले बाबा, तो भोले बाबा, भोले बाबा ने कहा लो ये मेरा आत्मलिंग, अपने से एक लिंग प्रकट करके दिया, और ये ले जाओ, इन्हें विराजमान करना, इनकी पूजा करना, न कभी बूढ़े होगे, न कभी बीमार पड़ोगे, न कभी बल घटेगा, और ये जब तक लंका में विराजमान रहेंगे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, जाओ। अब ये तो प्रसन्न हो गया, वर मिल गया, देवताओं को चिंता हो गई, हम तो नारायण को प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, हे प्रभु अवतार ले, रावण का उद्धार करो, भोले बाबा तो अमरता कबर दिए जा रहे हैं, क्या करें। तब देवता तो देवता, शरीर में भी देवता रहते हैं, हाथों के देवता कौन है? इंद्र। आंखों के देवता कौन है? सूर्य। सब अंगों के अलग अलग देवता हैं, शरीर में जल तत्व भी है। तो देवताओं ने क्या किया, जब रावण लेके जा रहा था, भोले बाबा ने कहा भाई शिवलिंग को जहां रख दोगे वहीं अचल हो जाएगा, तो बीच में रुकना मत और नीचे रखना मत, जहां रखोगे वहीं अचल हो जाएगा। देवता लोग क्या किए, वरुण देवता को कहे जरा रावण के शरीर में जल तत्व बढ़ा दो, और जब जल तत्व बढ़ा रावण के शरीर में तो क्या हुआ, उसको लघुशंका का आवेग हुआ, और इतना जोर लघुशंका का आवेग हुआ कि रुक न सके। अब इतना तो जानता था कि भोलेनाथ को लिए लिए तो लघुशंका जाऊंगा नहीं। तब एक अहीर का बालक था वहां पर, भगवत इच्छा से ही आया होगा, उसको बुलाया और कहा ये लो शिवलिंग है, इनको रखो बेटा, नीचे मत रखना, पूजा की वस्तु है, गोद में रखना, मैं अभी आया। तब रावण कान पर जनेऊ चढ़ा के गए निवित्त होने के लिए। अब जब रावण लेके चल रहा था तो हल्के थे भोलानाथ, जब अहीर के बालक ने उठाया तो भारी हो गए। एक मुहूर्त तो लिए रहा, पर रावण जैसा भी था पर विचार तो पूरे करता था, उसको पता है लघुशंका जाऊंगा तो अब स्नान करूंगा, वस्त्र पलटूंगा तब आऊंगा, तो स्नान वस्त्र पलटने में देर लग गई होगी, उस बच्चे से भार संभला नहीं, जमीन पे कर दिया विराजमान। तब रावण स्नान आदि करके लौटा, देखा ये क्या हुआ, अरे बालक तो गायब हो चुका था, देवताओं की लीला थी, बालक गायब हो चुका था। तब रावण ने देखा, बहुत उठाने की कोशिश की, उठे ही ना, भोले बाबा ने तो कह दिया जहां रख दोगे उठूंगा नहीं, बहुत कोशिश की नहीं उठे। अब रावण तो रावण महाराज, उठे नहीं तो गुस्सा करके गया, कैसे, भोले बाबा को जमीन में धसा देना चाहता था कि मेरे काम ना आए तो किसी भी काम मत आना, तो भोले बाबा को धसा तो नहीं पाया, पर जब जोर से दबाया तो रावण का अंगूठा छप गया। आज भी आप वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करिए तो शिवलिंग ऊपर से दबी हुई है, कौन ने दबाई, रावण ने, वो तो चला गया।
और उस गोप बालक को ब्रह्मा जी वर दिए, क्या? अरे गोप बालक, अब से तेरी आठवीं पीढ़ी में नंद गोप का जन्म होगा और उन नंद गोप के यहां पर स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण पुत्र रूप में अवतार लेंगे। जिस गोप बालक ने वैद्यनाथ को गोद में लिया था, क्या कहना, तो वैद्यनाथ विराजमान हो गए। वैद्यनाथ की तो कितनी महिमा महाराज, हमने देखा कितने कितने असाध्य रोगी वहां आते हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब जैसा नाम है भोलानाथ की महिमा भी वैसी है, वो वहां वैद्य बन के बैठे हुए हैं। बड़े बड़े असाध्य रोग, इतने कोढ़ियों का कोढ़ ठीक होते देखा गया वैद्यनाथ में, जिनकी गिनती नहीं है। अब भोले बाबा तो अजब गजब हैं हमारे, लोग वहां वैद्य के रूप में सेवा करते हैं भोलानाथ की, अपनी औषधियों को लेके आते हैं, रोगों को लेके आते हैं, निरोग होके जाते हैं। वैद्यनाथ भगवान चिता भूमि में विराजमान है। ये कौन से ज्योतिर्लिंग हो गए? नौ में, ठीक। तो प्रेम से जय जयकार करिए, कहिए वैद्यनाथ भगवान की जय हो। अब हैं दसवें, कौन? नागेशम दारुकावने, नागेशम दारुकावने। ये कहाँ है? द्वारिका जी दर्शन करने जाइए, एक भेंट द्वारिका, एक गौमती द्वारिका, एक भेंट द्वारिका। गौमती द्वारिका से भेंट द्वारिका जाइए तो गोपी तालाब के निकट पड़ेंगे नागेश्वर महादेव। ये ज्योतिर्लिंग है, दसवें ज्योतिर्लिंग है। किस वन में प्रकट हुए? दारुक वन में। कथा क्या है? अब देखिए, द्वारिका जी वैष्णव क्षेत्र है और प्रधान देवता कौन? नागेश्वर महादेव। काशी शिव क्षेत्र है, प्रधान देवता बिंदु माधव। इसलिए हरि और हर का मिलन स्वरूप है, हरि हर में भेद करे नहीं, हरि हर एक है। हरि की आत्मा हर है और हर की आत्मा हरि है। तो कैसे विराजे? एक सुप्रिय नाम का वैश्य था, सुप्रिय नाम था, परम शिव भक्त था, नौका से व्यापार करने जा रहा था। जहां द्वारिका जी हैं वहां समुद्र तो है ही, जहाज से व्यापार करने जा रहा था सुप्रिय नाम का वैश्य। लेकिन यहां पर एक दारुक नाम का राक्षस रहता था। वो क्या करता था? वो आने जाने वाले यात्रियों को लूट लेता था, पैसा छीन लेता था, खा जाता था उनको। ये सुप्रिय नाम के वैश्य नौका में अपना सामान बारदाना रख के जा रहे थे व्यापार करने, तभी इस दारुक दैत्य ने अपने सैनिकों को कहा, देखो वो व्यापारी जा रहा है, लूट लो, छीन लो, मार दो, खा जाओ। ये दैत्य कभी भाला फेंकता, कभी बाण फेंकता, कभी तलवार फेंकता, इन सुप्रिय वैश्य को कुछ लगता ही नहीं था। सैनिकों ने कहा, महाराज इस व्यापारी के ऊपर तो कोई रक्षा कवच बना हुआ है। दारुक ने कहा, तो जाओ अब मारो मत, उसकी नौका को घेर लो। इन राक्षसों ने जाके उसकी नौका को घेर लिया, सुप्रिय वैश्य को मारना चाहा, मार तो नहीं पाए। तब इस दैत्य ने बंदी बना लिया और वहीं दारुक वन में कारागार में डाल दिया। और इस वैश्य से क्या बोला? तेरे पास जितना भी पैसा है दे, और गुप्तचरों को भेज के अपने घर से अपनी सारी संपत्ति मंगवा, तब मैं तुझको छोड़ूंगा, नहीं तो मार डालूंगा। सुप्रिय वैश्य ने कहा, मेरा जो धन था तुमने छीन लिया, अब तुम मारो या जीवाओ, मैं तो अपना जीवन भोलानाथ को समर्पित कर चुका। मुझे पता है तू काल है, पर भोलानाथ महाकाल है। महाकाल के रहते काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खरी खरी सुना दी दैत्य को, दैत्य चला गया। मारने की कोशिश करे तो कोई शस्त्र न चले, कैसे करे? तब इसने अपने सेवकों से पूछा, ये सुप्रिय वैश्य करता क्या है? अब सुप्रिय वैश्य क्या करते थे जानते हैं? अब ऐसे तो इनका नियम था, ये प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाते थे, पूजा सेवा करते थे,
पर कारागार में बंद हो गए तो पार्थिव लिंग कहां से लाएं, बेल पत्र दूध दही फूल फल कहां से लाएं। तो ये जितने दिन कारागार में रहे उतनी देर ये मानसिक शिव अर्चना करने लगे, माने जो प्रकट करते थे मन से करने लगे। मैंने मन से बालुका ली, मन से शिवलिंग बनाए, सोने के पात्र में दूध लिया जल लिया, भोले बाबा को अभिषेक कराया, मंत्र उच्चारण किए, वस्त्र पहनाए, त्रिपुंड लगाया, बेल पत्र चढ़ाए, कमल चढ़ाए, आरती की, दंडवत की, ऐसे मन से पूजा करते थे रोज। अच्छा, ये इतने मगन हो जाते थे मानसी पूजा में कि करते तो मन से थे लेकिन इनके हाथ चलते रहते थे, माने जैसे जल चढ़ा रहे हैं मन से तो ये हाथ ऐसे कर लेते थे। अब बेल पत्र चढ़ा रहे हैं तो ऐसे मन से ही है, नहीं हाथ में कुछ। हाथ में कुछ नहीं है, बस आरती कर रहे हैं तो सब कुछ मन से करते थे। वो दारुक राक्षस ने कहा कि वो वैश्य क्या करता है। सेवकों ने कहा, महाराज हमको तो लगता है वो कोई टोना टोटका जानता है, कोई तंत्र विद्या जानता है, पूरे दिन जाने क्या करता रहता है, कभी ऐसे ऐसे करता 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 है, कभी वो आपके विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र न कर रहा हो, अरे तब तो ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, तभी मेरे अस्त्र शस्त्र नहीं चल पा रहे, आज मैं उसको मार के छोड़ूंगा। और जिस समय सुप्रिय वैश्य पूजा में बैठे थे तभी ये दारुक दैत्य अपनी खड़ग लेकर के आया। और वो सुप्रिय वैश्य तो मानसी पूजा कर रहे थे, जैसे उन सुप्रिय वैश्य को मारना चाहा उसी समय हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो करते हुए महादेव प्रकट हो गए। वो दारुक दैत्य तो मार नहीं पाया, भोलानाथ अपना पाशुपास्त्र चलाए और दारुक दैत्य का संहार कर दिए। और जैसे सुप्रिय वैश्य ने देखा, अरे मानसिक पूजा करते तो मुझे बहुत दिन बीत गए थे, भोलानाथ का प्रत्यक्ष दर्शन तो कभी नहीं हुआ था, ओह ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति बन गई, आहा भोलानाथ के चरण पकड़ लिए, वर मांगो। हे वैश्यराज, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं, तुमने मानसी पूजा करके मुझे वश में कर लिया है, वर मांगो। सुप्रिय वैश्य क्या कहते हैं, प्रभु अब यहीं विराजो आप, बस यहीं विराजो। भोलानाथ क्या कहते हैं, अरे द्वापर युग में तो प्रभु इस वन में अपनी द्वारिका बसाने वाले हैं, मुझे तो वैसे ही आना था, अब तो मैं जरूर विराजमान होऊंगा। तो नागेश्वर महादेव पहले आए हैं, द्वारिकाधीश तो पीछे आए हैं, नागेश महादेव तो पहले आ गए, बस नाम क्या होगा इस दैत्य पर भी कृपा। भोले तो इतने भंडारी है ना कि दैत्य पर भी कृपा करते, ये पूरा क्षेत्र इस दैत्य के नाम से ही जाना जाएगा, दारुकवन माना जाएगा, ये द्वारिका मानी जाएंगी, और मेरा स्वरूप होगा नागेश्वर, मेरे प्रिय भक्त तुम होंगे। क्या कहना, अद्भुत महिमा है नागेश भगवान की, अद्भुत महिमा है। तो ये कौन से ज्योतिर्लिंग हैं, दसवें नागेशम दारुका बने, दारुक वन में। अब ग्यारहवें सेतु बंधे चरामेशम, ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग कौन है कहिए, रामेश्वर भगवान की जय हो, सेतु बंद तीर्थ की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। क्या कहना महाराज, रामेश्वरम की महिमा भी गजब है, क्या कहना। कोई
नहाने का चोर हो, रामेश्वरम चला जाए दर्शन करने, तो नहा तो खूब लेगा महाराज हो, अभी तो कुछ कम हो गया। पहले तो गीले वस्त्रों में स्नान होता था, जानते हैं रामेश्वरम भगवान में कितने कूप हैं? 27, 27 कुआं है, उनमें स्नान किए बिना नहीं जा सकते दर्शन के लिए। सबसे पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करना, अग्नि तीर्थ माने समुद्र, समुद्र में स्नान करिए, फिर क्या करिए, फिर टिकट लीजिए और लग जाइए लाइन में। 27 कूप हैं ये, और कहने को कूप हैं, वो सरोवर हैं, हर कूप में तीर्थ हैं। श्री राम जी स्थापना किए हैं ना रामेश्वर भगवान की, तो अभिषेक के लिए सारे षष्ठी के तीर्थ का आह्वान किए, तो सारी षष्ठी के तीर्थ आके उपस्थित हुए। क्या कहना, टिकट लीजिए और लगिए, फिर पंडालों खड़े होते हैं, एक कुआं के आगे पहुंची एक बाल्टी पलट देंगे, फिर दूसरे पे पहुंची एक बाल्टी पलट देंगे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, नहाते रहो ठीक। और अब तो कपड़ा बदलने की सुविधा है, पहले तो हम लोग गीले वस्त्र में ही खूब दर्शन किए हैं रामेश्वर भगवान के, गीले कपड़ों में ही दर्शन होते, और वहां अपने से जल नहीं चढ़ाया जा सकता। सोमनाथ जी में भी ऐसे ही है, तो गंगा जल लेके जाते हैं, अब वो जो ब्राह्मण अर्चक होते हैं उनको दिया जाता है, भोलानाथ का अभिषेक होता है। क्या कहना महाराज, रामेश्वर भगवान की महिमा, कथा तो सब जानते हैं। जब श्री राम को रावण का संहार करना है तो पहले समुद्र तट के ऊपर भोलानाथ की स्थापना किए हैं। अगस्त जी ने कहा और सब ऋषियों ने आके कहा कि अगर आप अपने कार्य में सफलता चाहते हैं तो भोलानाथ की पूजा करनी होगी। अब जो लोग कहते हैं हम इनको मानते हैं इनको नहीं मानते, अरे भैया भोलानाथ सबके हैं, भोलानाथ किसी को अपनी तरफ नहीं खींचते, भोलानाथ प्रसन्न होते हैं तो वृंदावन बिहारी अवध बिहारी की भक्ति ही देते हैं। कल सुने ना, ये तो माँ बाप हैं, माँ बाप तो बेटी के लिए योग्यवर ढूंढते हैं ना, ये थोड़ो चाहते हैं कि बेटी पति को छोड़ के हमारे पास आ जाए। ऐसे शिव भक्ति का फल ही रामकृष्ण की भक्ति है, पर शिव जिसको कृपा करके कृष्ण प्रेम देते हैं उसको निहाल कर देते हैं, फिर बहुत दयालु हैं शिव, बहुत दयालु। कितने लोग हमसे कहते हैं महाराज आप वैष्णव हैं, भागवत जी कथा कहते हैं, भक्तमाल कहते हैं, गौर कथा कहते हैं, लेकिन अब शिव पुराण भी कह रहे हैं, तो इससे अनन्यता भंग नहीं होती? हमने कहा बिल्कुल नहीं होती। अरे वैष्णव हैं हम तो जरूर कहेंगे, वैष्णव हैं तो वैष्णवा नाम अग्रगण्य का चरित्र नहीं कहेंगे क्या? हमको तो भगवान सेवा से बाहर कर देंगे, हम कैसे वैष्णव अगर वैष्णवा नाम अग्रगण्य का चरित्र गान न किए तो? हमारी कोई अनन्यता भंग नहीं होती। भोले बाबा को स्मरण करते हैं, भोलेनाथ दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, हमारी कोई अनन्यता भंग नहीं होगा, जिनकी होती होती रहे। हमें तो बहुत प्यारे हैं भोलानाथ, खूब गोविंद का प्रेम प्रदान करते हैं, निहाल करते हैं। हमारे आश्रम में दर्शन करिए कभी आके, गोपेश्वर महादेव हैं, अपने बारे में बोलते नहीं कुछ, क्या कहें, भोलानाथ अपनी इच्छा से आए आश्रम में। अपने यहां तो राधा गोविंद की अष्टायाम सेवा चलती है, तो वो चलती थी, भोलानाथ कृपा किए। जिस स्वरूप में अभी आश्रम में विराजमान है बंधुओं, पहले उस स्वरूप का स्वप्न में दर्शन दिए, अब फिर हम नर्मदा जी गए, तो जिस स्वरूप का भोलानाथ हमको स्वप्न में दर्शन दिए, नर्मदा जी जाते ही हमको पहले पहल वही स्वरूप मिले, बिना खोजे बिना परिश्रम के, उन स्वरूप का जो जलहरी के भीतर स्थान है वहां ओम अंकित है, आधे भोले बाबा श्याम हैं आधे गौर हैं। हमको तो लगता है जुगल सरकार मिलके इस रूप को बनाए हैं, जटा के चिन्ह हैं,
आधे श्याम आधे गौ हमने खोजे नहीं है, और नीचे ओम का चिन्ह बना है, खुद कृपा करके आए। पर हां एक काम हो गया, जब नर्मदा से चले थे तो नर्मदेश्वर थे, पर जैसे वृंदावन में घुसे तो क्या हुआ, तो नर्मदेश्वर से गोपेश्वर हो गए। कहिए गोपेश्वर महादेव की जय। अब क्या करें भैया, वृंदावन में तो गोपी बन के गुजारा है, तो भोले बाबा तो गोपी बने ही रहते हैं, खूब कृपा करते हैं। जब से भोला नाथ आए इतनी कृपा हमसे संभल नहीं रही, कृपा हमारी औकात नहीं इतनी कृपा संभालने की जितनी वो दाता कृपा कर रहा है, सामर्थ नहीं संभालने की। और तो क्या कहें, बस करुणा वरुणालय है, वो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है। हम क्यों वंचित रहे शिव की कृपा से, मेरे पिता मुझे संपत्ति देना चाहें और मैं न लूं, क्यों न लूं। जगत पिता है भोला नाथ, वो कृष्ण प्रेम की संपत्ति देना चाहे, मैं क्यों न लूं। पिता से मांगने में काहे की लाज है, बहुत दयालु, बहुत दयालु। अपने आप जैसे अष्टायाम सेवा ठाकुर जी की तो चलती थी पहले से, अब जैसे जैसे भोग राधा गोविंद देव को, ऐसे ऐसे भोग आरती भोला नाथ की होती है। जाने कितने लोगों के मनोरथ पूर्ण हुए हम कह नहीं सकते, जबकि हम ऐसी बातों को करते नहीं, पर अभी तक का हमारा अनुभव है किसी का भी अनुष्ठान असफल नहीं हुआ अभी तक, ऐसे जागृत होकर विराजमान हुए। जिसने जो अनुष्ठान किया वही पूर्ण, वही पूर्ण, वही पूर्ण हुआ, मर्तों को जीते देख लिया। तो ऋषि मुनि राम जी को आके कहे आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो कैसे सफलता मिलेगी, बोले आपको शिवलिंग की स्थापना करनी होगी, शिव पूजा करनी होगी। राम जी कहे जरूर करूंगा, तो कोई ब्राह्मण आचार्य चाहिए, क्योंकि मैं तो क्षत्रिय हूं तो कोई ब्राह्मण ही तो विराजमान कराएंगे। हाँ हाँ, तो किससे विराजमान करवाएंगे। अब बड़ी विचित्र कथा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अलौकिक कथा है रामेश्वरम की, कम सुनने को मिलती है। तो राम जी कहे जामवंत जी को कि इस सृष्टि में जो सबसे बड़ा शिव भक्त है उसका नाम बताओ। सब ऋषि मुनि भी खड़े थे, सारे ऋषि मुनि मौन हो गए। राम जी कहे भैया बताओ जो सबसे बड़ा शिव भक्त हो उसका नाम बताओ। तो ऋषि मुनि क्या बोले, महाराज सबसे बड़ा शिव भक्त तो रावण है, उससे बड़ा तो शैव इस समय कोई नहीं। तो राम जी हंस के क्या कहे, तो रावण शिव भक्त भी है और ब्राह्मण भी है, तो उससे ही शिवलिंग की स्थापना करवाऊं। ऋषि लोग बोले प्रभु रावण क्यों आने वाला है, उसको तो पता ही है कि आप शिवलिंग स्थापना क्यों कर रहे हैं, वो क्यों आएगा। राम जी बोले आए या नहीं आए निमंत्रण देना हमारा फर्ज है। अब मुसीबत ये कि रावण को निमंत्रण देने कौन जाए, हल्का फुल्का तो निमंत्रण नहीं दे सकता, पता चला निमंत्रण देने जाए लौट के ही ना आवे तो कौन जाए। हनुमान जी बोले हनुमान जी को मत भेजो, हनुमान जी तो पहली लंका फूकी आए, तो अंगद को ना, ना उनको भी ना भेजो। जामवान जी ने कहा आपके मुझे भेजो प्रभु, क्योंकि मुझसे भिड़ने की हिम्मत भी नहीं करेगा, एक झापड़ लगाऊंगा सो गिर जाएगा, तो मुझे भेजो। ठीक है आप चले जाओ। जामवान जी गए, ये पर्वत के आकार का कोई रीच, अपने आप से राक्षसों ने रास्ता छोड़ दिया। रावण ने पूछा कौन आ रहा है काले रंग का पहाड़, महाराज जामवंत आ रहे हैं। ठीक है भेजो सभा में, शायद संधि का प्रस्ताव लेके आ रहे हो। बिठाया, जामवान जी ने प्रणाम किया, कहिए जामवान क्या समाचार लेके आए हैं। संधि प्रस्ताव लेके आए हैं, अब रावण संधि नहीं करने वाला। अरे दशानन तुम बोलते बहुत हो, किसी की सुन भी लिया करो,
मैंने तुमको कहा है कि मैं शांति का प्रस्ताव लेके आया हूं, संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं, तो फिर क्यों आए हो शत्रु दल में? अरे सुन लो, मानना ना मानना तुम्हारा काम, मेरे प्रभु रघुनाथ शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। ऋषियों से पूछा, ऋषियों ने बताया इस समय सृष्टि में सबसे बड़ा शिव भक्त रावण है, तो मैं तुम्हारे लिए निमंत्रण लेके आया हूं, क्या राम जी के यहां पूजा करवा दोगे, शिवलिंग की स्थापना करवा दोगे, रुद्राभिषेक करवा दोगे? रावण तो सुन के मुस्कुराया। जामवान जी ने कहा, मुस्कुराते क्यों हो? रावण ने कहा, जिंदगी में ब्राह्मण मुझको पहली बार किसी ने माना, अभी तो सब मुझे दैत्य ही मानते थे, और जिंदगी में मुझे पूजा करवाने का निमंत्रण पहली बार मिला। मैं जानता सब हूं, पर किसी ने मुझे पूजा करवाने नहीं बुलाया आज तक, मैं तो युद्ध ही लड़ता रहा। आज जिंदगी में पहली बार मुझे किसी ने पूजा करवाने बुलाया है घर में, और कोई होता तो डांट के भगा देता, पर श्री राम ने बुलाया है तो मौका नहीं छोड़ूंगा, आऊंगा। जामवान ने कहा, तो तुमको पता तो है ना क्यों स्थापना कर रहे हैं? हाँ हाँ, जिसलिए भी कर रहे हैं ठीक है, बुलाया है तो जाऊंगा, पर एक बात बताओ, क्या श्री राम मेरा पुरोहित्य स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, मैं चलने को तैयार हूं। बंधुओं, पुराणों में कथा है, रावण आया है पुष्पक विमान में बैठ के, श्री राम खड़े हैं, अब आचार्य रूप में आया तो श्री राम प्रणाम भी किए। रावण ने क्या कहा, आपको स्थापना करवानी है, आप ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं? ग्रस्त हैं, तो आपकी धर्मपत्नी कहां है? राम जी ने कहा, तुमसे बेहतर कौन जानता है मेरी धर्मपत्नी कहां है? मेरी धर्मपत्नी तो तुम्हारे बंदी ग्रह में है। तो हे श्री राम, ग्रस्त का कोई सत्कार बिना धर्मपत्नी के सफल नहीं हो सकता, तो या तो आप दूसरा विवाह करिए, अपनी पत्नी को वामांग बिठाइए, तब पूजा पूरी होगी। श्री राम ने कहा, मैं तो एक पत्नी व्रत ले चुका हूं, आप पूजा करवा दीजिए। रावण ने कहा, मैं अधूरी पूजा नहीं करवाता, मैं जिसकी पूजा करवाता हूं यजमान को पूर्ण करता हूं। फिर तो आपकी धर्म पत्नी मेरे बंदी ग्रह में है, मैं पूजा के लिए आपकी पत्नी को बंधन मुक्त कर सकता हूं, लेकिन मेरी शर्त है, आपकी धर्म पत्नी जानकी जी पे अधिकार मेरा रहेगा, केवल मैं पूजा के लिए बुला रहा हूं। पुराणों में यह कथा भी है, बुला लीजिए। रावण ने विमान भेजा है, जानकी जी को अशोक वाटिका से बुलवाया गया है, जानकी जी सिर नीचे किए हैं, अभी भी रावण की बंदनी है। श्री राम को प्रणाम किया, बैठिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे लिए सेवा? राम जी ने कहा, जितनी देर में रावण तैयारी करा रहे हैं, तुम जाकर के कोई दिव्य ज्योतिर्लिंग ले आओ। हनुमान जी ज्योतिर्लिंग लेने भागे, कहां जाऊं, अरे कैलाश पर्वत से ही जाके ले आऊं ज्योतिर्लिंग। गए इधर, भोले बाबा समाधि में थे, उठने में देर हो गई, हनुमान जी को आने में देर हो गई। रावण सारी पूजा की सामग्री जल्दी तैयार कर लिए, अब उसके तो 20 हाथ है ना, तो दो हाथ का काम और 20 हाथ का काम तो बहुत अंतर होता है। फटाफट तैयार कर लिए सामग्री, राम जी से कहा, बताइए किस लिंग की स्थापना करनी है? श्री राम कहे, मैंने हनुमान को भेजा है, वो आते ही होंगे, आते होंगे, मुहूर्त निकला जा रहा है, मैंने अभी पत्रा देखा है, अब विलंब नहीं होना चाहिए। तो फिर शिवलिंग ना आए तो कोई बात नहीं, शिव की पार्थिव पूजा भी हो जाती है, आप समुद्र की बालुका से शिवलिंग बना लीजिए। भगवान श्री राम ने सीता जी के सहित बालुका से शिवलिंग बनाए हैं, क्या कहना, रावण पूजा करवाने लग गया।
आज श्री राम भी चमत्कित रह गए। भाई मानना पड़ेगा रावण विद्वान बहुत जोरदार है, वो तो सारे अपने बनाए हुए मंत्र बोलता है, वो सारे स्त्रोत एक से एक नए बना के बोलता जा रहा है। श्री राम चमत्कृत हैं उसकी सेवा देख के। आखिर में स्थापना कराई, सब विधियों का निर्वाह हुआ, रुद्राभिषेक कराया, पुष्पार्चन कराया, बेलपत्र अर्चन कराया, आरती कराई, प्रणाम किया। श्री राम ने कहा स्थापना हो गई, रावण ने कहा मेरे अनुसार हो चुकी है, पर अगर मेरी विधि पूर्ण है तो स्वयं शिव आके प्रमाण देंगे कि वो इस शिवलिंग में स्थापित हो गए हैं। जैसे भोले बाबा को श्री राम ने प्रणाम किया, उसी समय हर 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 महादेव कहते हुए रामेश्वरों के शिवलिंग से भोलानाथ प्रकट हो गए। देवता लोग आकाश से फूल बरसाने लगे, कहिए रामेश्वर भगवान की जय हो, रामेश्वरम महादेव की जय हो। नामकरण करिए प्रभु। श्री राम ने कहा मेरे प्रभु का नाम होगा रामेश्वर। वानर भालुओं ने पूछा रामेश्वर माने क्या? श्री राम ने कहा जो राम के ईश्वर सो रामेश्वर। भोले बाबा ने कहा नहीं प्रभु, हर बार आपकी नहीं चलेगी, तो और नाम रखना है। बोले नहीं, नाम तो यही है रामेश्वर, लेकिन अर्थ ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो अर्थ क्या है? बोले राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। राम जी कहते हैं जो राम के ईश्वर सो रामेश्वर। शिव कहते हैं राम जिनके ईश्वर, जो राम जिनके ईश्वर है सो रामेश्वर। भोले बाबा कहते हैं नहीं, जिसके राम ईश्वर है सो रामेश्वर। क्या कहना, अब तो उलझन हो गई। तब हनुमान जी से पूछा, ये तो विपरीत अर्थ हो गए, आप रामेश्वर शब्द का अर्थ बताओ। हनुमान जी ने कहा यो राम स ईश्वर, जो राम है वही महेश्वर है, मेरा अर्थ ये है। आनंद हो गया, पूजा पूरी हुई। इधर जब स्थापना हो गई तब हनुमान जी शिवलिंग लेके आए। प्रभु लीजिए देर हो गई आने में। राम जी ने कहा यहां तो पूजा भी हो गई स्थापना भी हो गई। हनुमान जी ने कहा प्रभु भोलानाथ अपने आत्मलिंग से ये प्रकट करके दिए हैं, इनकी स्थापना होनी चाहिए। ये तो मिट्टी के लिंग बनाए हैं, और पार्थिव लिंग तो बनाए भी जाते हैं, विसर्जित भी किए जाते हैं, तो इनको विसर्जित कर दो, मेरे लाए हुए लिंग स्थापित कर दो। रावण ने कहा हनुमान जी ये रावण के स्थापित करे हुए हैं शिवलिंग, किसी की हिम्मत नहीं जो उखाड़ दे। हनुमान जी ने कहा हम तो हटा देंगे, तो करके देख लो। ग्रंथ में लिखा है हनुमान जी अपनी पूछ में लपेट करके शिवलिंग हटाने चाहे, हनुमान जी का बल पूरा हो गया पर शिवलिंग नहीं हटे अपने स्थान से। तब क्या किया जाए? राम जी कहे हनुमान तुम पास में स्थापित कर दो, आज भी रामेश्वरम जाइए तो रामेश्वर भगवान के निकट में एक और भोले बाबा हैं, उनको कहते हैं हनुमानेश्वर महादेव। एक शिवलिंग का सवेरे दर्शन होता है, मणिमय लिंग का, वो शंकराचार्य भगवान के स्थापित है, मंगला के समय अभिषेक होता है, दर्शन होता है। उन मणिमय शिवलिंग के भीतर साक्षात भोलानाथ की छवि दिखाई देती है आज भी, बाकी पूरे दिन वो मंजुषा में बंद रहते हैं शिवलिंग। पूजा पूरी हो गई, श्री राम प्रसन्न हो गए। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा आपने पूजा कराई है, मैं आपका पूजन करूंगा और आपको दक्षिणा दूंगा, आपकी जो इच्छा हो सो दक्षिणा मांगिए। सुग्रीव ने कान में आके कहा प्रभु ये क्या कह दिया इसको कि जो चाहो सो दक्षिणा मांगिए, इसने दक्षिणा में सीता जी को मांग लिया, क्या होगा, इसकी तो पहले सीता जी पे बुरी दृष्टि है। राम जी ने कहा जो मांगे सो मांगे, पर मैं अब आचार्य रूप में रावण आए हैं तो पूजन भी करूंगा प्रणाम भी करूंगा, मेरे घर ब्राह्मण आए हैं। श्री राम ने रावण का पूजन किया और प्रणाम किया। तब रावण ने दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, आपने जिस संकल्प करके शिवलिंग की स्थापना करी है आपका वह संकल्प पूर्ण हो। अब जब प्रणाम किया
यजमान ने तो पंडित आशीर्वाद भी तो देंगे, पूर्ण हो, सबके नेत्र सजल हो गए। तब श्री राम ने कहा अब मुझे दक्षिणा भी देनी है, बताओ क्या दूं। रावण ने हंस के कहा वन वन में डोलने वाला एक राजा को क्या दक्षिणा देगा, आपके पास पैसा कहां है, नंगे पांव तो डोल रहे हो, अयोध्या की सेना को छोड़ आए, बानर भालू की सहायता लेके युद्ध लड़ने की सोच रहे हो, आप क्या दक्षिणा दोगे मुझे। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जो मांगना हो मांगो मैं दूंगा। तो वचन देते हो, जो मांगूंगा दे दोगे। श्री राम ने कहा दे दूंगा। सारे देवता आकाश में खड़े हो गए, कहीं रावण अपने लिए अभय का वरदान न मांग ले, पर धन्य है धन्य है। जब श्री राम ने दक्षिणा मांगने को कहा तो रावण ने हाथ जोड़ के क्या दक्षिणा मांगी, हे रघुनाथ मुझे यही दक्षिणा दो कि आपके हाथ के द्वारा मेरे पूरे कुल परिवार का संहार हो जा, मेरे पूरे कुल परिवार का संहार उद्धार आपके हाथों हो, और मरने के बाद मेरी दुर्गति न हो, मरने के बाद मुझे आपके धाम की प्राप्ति हो। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज के माही, मुझे पता है तुम ईश्वर हो, मुझे पता है तुम ईश्वर हो, पर मुझसे भजन नहीं होगा, इसलिए मैंने वैर वाली भक्ति को अपनाया है। लोग कहते हैं सीता को उठाया है, मुझे पता है बिना सीता जी को उठाए तुम आओगे नहीं, क्योंकि सीता भक्ति है, तुम भगवान हो, जहां भक्ति रहेगी वहां तुम्हें आना पड़ेगा। हे रघुनाथ मेरा कुल सहित उद्धार कर देना। सेतु बंधे चरामेशम, सेतु बंधे चरामेशम, ये 11वें ज्योतिर्लिंग है बंधुओं, 12वें घुष्मेशम च शिवालय, घुष्मेशम च शिवालय 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग कहां है, महाराष्ट्र में घुष्मेश्वर महादेव कैसे स्थापित हुए, ये शिवालय में विराजमान है। शिवालय ऐसे मंदिर को कहते हैं, लेकिन घुष्मेश्वर महादेव में शिवालय मंदिर को नहीं कहते, मंदिर के पास जो तालाब है उसको कहते हैं। क्यों कहते हैं, कथा सुनिए फिर विश्राम करेंगे। एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे वहीं पर जहां की एक घुष्मेश्वर महादेव स्थापित है। वेद पाठी ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी ब्राह्मणी सुदेहा। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत अच्छे थे, लेकिन संतान नहीं थी उनके यहां, बहुत समय गुजर गया, उपाय भी किए सफल नहीं हुए। तब वो जो सुदेहा ब्राह्मणी थी उसने अपनी पति सुधर्मा को कहा आप दूसरा ब्याह कर लो। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, भाग में अगर संतान नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अब ब्याह नहीं करूंगा। लेकिन सुदेहा पीछे पड़ गई, बोले मेरी छोटी बहन है उसका नाम घुष्मा है, उससे ब्याह कर लो। आपको ये डर है कि सौत आएगी तो विरोध होगा, पर मेरा विरोध नहीं होगा, मेरी छोटी बहन से ब्याह कर लो। बहुत कहा तो ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी की छोटी बहन से ब्याह कर लिया। उसका नाम घुष्मा था, वो परम शिव भक्त थी। उसका क्या नियम था, शिव महापुराण में लिखा है वो प्रतिदिन 108 शिवलिंग बनाती थी, उनकी पूजा करती थी पूरे दिन, और फिर उनको उसी तालाब में जिसको शिवालय कहते हैं प्रवाहित कर देती थी। ये सारे जीवन का नियम था। विवाह हुआ, कुछ दिनों के बाद उसकी गोद भर गई, बेटा हो गया, अब तो क्या कहना, आनंद हो गया। तो पहले तो दोनों बहनों का बहुत प्यार था, धीरे धीरे करके समय बीता, बेटा बड़ा हुआ। अब ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी पर ज्यादा ध्यान देने लगे, जो बड़ी थी सुदेहा उनकी उपेक्षा होने लगी। करते करते उन दोनों के बीच में द्वेष हो गया, जो सुदेहा थी वो द्वेष करने लगी, घुष्मा नहीं करती थी। चलिए बेटा बड़ा हो गया, उसका ब्याह हो गया, अब तो बेटा बहू और उनकी मां घुष्मा और वो ब्राह्मण। अब वो जो सुदेहा थी देख देख के जलती थी,
मैंने क्यों अपने पति का विवाह करवा दिया, ये घोषमा घर की रानी बन गई, बेटा है तो इसका बेटा, बहू है तो इसकी बहू है, मेरा सम्मान नहीं रहा। एक दिन तो इसके मन में इतना बैर जागा कि इसने घोषमा का बुरा करने के लिए घोषमा के इकलौते पुत्र को सोते सोते मार डाला, तलवार से उसके शरीर को काट दिया और उसके शव को फेंक दिया उसी तालाब में। बहुत बड़ा तालाब था, गहरा, जिसमें वो प्रतिदिन प्रवाहित करती थी शिवलिंग को, फेंक दिया। और इधर सवेरे उस पुत्र की पत्नी उठी, जो देखा पलंग के ऊपर खून बह रहा है, चीख उठी, भागते भागते अपने ससुर के पास गई सुधर्मा, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मेरे पति की हत्या हो गई, किसने करी, किसने करी, किसने, खबर नहीं। लेकिन घोषमा उस समय भी शिव पूजा में लगी थी, पीट पीट कर, सिर पीट पीट कर ब्राह्मण रोने लगे, उस पुत्र की पत्नी रोने लगी। रोते रोते घोषमा के पास गए, अरे तेरी शिव पूजा का क्या फल हुआ, तेरे पुत्र की हत्या हो गई, किसने हत्या कर दी, एक लौते पुत्र की हत्या हो गई। लेकिन पुत्र की हत्या का समाचार सुन के भी वो घोषमा पूजा से नहीं उठी, वो शिवलिंग का निर्माण करती रही, पूजा करती रही, नहीं उठी। पूजा पूरी हुई, फिर पुत्रवधू ने रोते रोते कहा, मैं विधवा हो गई, अनाथ हो गई, आपका पुत्र मारा गया, क्या लाभ आपकी शिव पूजा का हुआ। घोषमा कुछ नहीं बोली और ये बोली, मेरा पुत्र महाकाल के रहते किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। और ये कहते कहते अपने उन 108 शिवलिंग को जैसे सरोवर में प्रवाहित करने गई, तो जिस सरोवर में उस सौत ने घोषमा के पुत्र को मार के डाला था, जैसे शिवलिंग का विसर्जन किया, उसी समय उस घोषमा का पुत्र उस सरोवर से नहाते हुए बाहर निकल आया, बाहर निकल आया। महाराज देवता उसी समय पुष्प वृष्टि करने लगे और पुत्र ही नहीं निकल आया, जो अभी तक हजारों लाखों शिवलिंग उसने प्रवाहित करी थी, उस सरोवर के मध्य से शंकर भगवान प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर प्रकट हो गए, मैं उस सुदेह का वध करूंगा। घोषमा ने भोलानाथ के चरण पकड़ लिए, ना वो मेरी बड़ी बहन है, उनका वध मत करिए, वर मांग, वर इतने ही चाहिए, हे महादेव अब प्रकट हो गए हो, मिट्टी के शिवलिंग बनाते बहुत दिन बीत गए, अब तो असली भोलानाथ की पूजा करूंगी, अब प्रकट तो हो गए हो, जाओ मत। तब भोले बाबा वहीं विराजमान हो गए, और उन भोले बाबा का नाम क्या हुआ, अरे उस ब्राह्मणी का नाम था घोषमा, तो उन महादेव का क्या नाम हुआ, घोषमेश्वर महादेव की जय, घोषमेश्वर महादेव की जय, घृणेश्वर महादेव की जय। 12वें ज्योतिर्लिंग है, आज भी वह सरोवर है और वह घोषमेश्वर महादेव हैं। तो भैया हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और हर अनंत, हर कथा अनंता, कहां है सुनहि बहु विधि सब संता, कहां तक गाएं, यहां तो पार होना नहीं है। आज 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करके विश्राम दे रहे हैं।